हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मास्टर तो मास्टर फिल्म का तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी ये सभी वर्जन से वो कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से यूट्यूब चैनल कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग मिलने वाली है साथ ही में फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे स्टोरी के ऊपर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस करके बताएंगे इसके अलावा फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट और म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी हम डीप में चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं मास्टर जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में विजय दी मास्टर नाम से डब करवाया गया है वहीं पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो लोकेश कनक का था उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है वो लोकेश कनक ने खुद की हुई थी उसमें जो डायलॉग्स है वो लोकेश कनक राज रत्ना कुमार पवन पार्थिवन ने मिलकर लिखे हुए हैं वहीं पर हिंदी वर्जन के डायलॉग्स शिव गोपाल कृष्णा ने लिखे हुए है इसके अलावा इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन है वो लोकेश कनक ने खुद किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस सेवियर ब्रिटो ने और एस सेवियर ब्रिटो ने इस फिल्म को काफ़ी बड़े बजट के साथ करीबन 135 करोड़ के बजट के साथ अपने प्रोडक्शन कंपनी यानी कि एक्स बी फिल्म क्रिएटर्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने जिन्होंने इस फिल्म को कोविड के टाइम पे काफ़ी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को Uh, करीबन यू सर्टिफिकेट के साथ एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था उसके बावजूद फिल्म ने फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी होने के बावजूद काफ़ी धमाका मचाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विजय इसके अलावा विजय सेतु सेतुपति तो एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करे मेन एंटागोनिस्ट का साथ ही में मालविका मोहन है जो विजय के अपोजिट कास्ट की गई है उसी के साथ शांतनु भाग्यराज

कुमार वहीं पे लिंटू रॉय दीनू लल्लू उदयराज पुवैर श्रीमाव श्रीमन संजीव श्रीनाथ प्रेम कुमार नागेंद्र प्रसाद संगीता वी मास्टर भागवाज और वसंत ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे कुछ ने इसमें से जो रोल प्ले किए हुए उनके रोल डिलीट हो चुके हैं जिसे कि सुरेखा वानी ने आदिक की मां का रोल प्ले किया था उनका सीन ही फिल्म से हट चुका था वहीं पे कुछ ने सिर्फ गानों में कैमियो कैम्यपेरेंस दिया हुआ है तो इतनी ये फिल्म की मेन कास्ट है जिन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी सत्यान सूर्या ने की हुई है एडिटिंग फिलोमिन राज ने किए हुए है म्यूजिक दिया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदर ने, ने। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के गाने फिल्म का साउंड ट्रेक काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था जहाँ पे सभी वर्जन्स में ये साउंड ट्रैक कमाल कर गया था इस फिल्म के गानों को पाँच लैंग्वेज़ में रिक्रिएट किया गया था सोनी म्यूजिक के पास इस फिल्म के सभी वर्जन्स के राइट्स थे जिन्होंने काफ़ी बड़ी रकम दे के इस फिल्म के गानों के राइट्स खरीदे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को 2019 में बिगिल के बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करवा दिया गया था जहाँ पे फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाद में करवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 120 दिनों के कॉल सीट के साथ बनाने का फैसला लिया गया था जहाँ पे इस फिल्म को बनाते समय बताया जा रहा था कि किती फिल्म के साथ शायद ये फिल्म कनेक्ट हो सकती है लेकिन बाद में पता चला कि मास्टर फिल्म अलग है केती के साथ जो फिल्म कनेक्ट करने वाले थे वो विक्रम थी इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग में काफ़ी सारे अलग अलग एक्टर्स को लिया गया था जहाँ पे इस फिल्म में अर्जुन है वो मेन एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करने वाले थे अर्जुन सरजा लेकिन बाद में ऑफिशियली जब अनाउंसमेंट हुई तब विजय सेतुपति को लिया गया था कि आर आडवाणी राशिक खन्ना रश्मिका मंदना को लीड रोल के लिए लिया जाने वाला था लेकिन उन सभी कंसिडरेशन के बीच में इस फिल्म का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया तब मालविका मोहनन को फिल्म का लीड रोल दिया गया था तो इस तरह से इस फिल्म की लीड कास्ट की कास्टिंग की गई थी बाद में तो अलग अलग एक्टर्स को कुछ अलग अलग काम के तहत इसमें लिया गया था और कुछ एक्टर्स ऐसे थे जो ऑलरेडी फिल्म के डायरेक्टर यानी कि लोकेश कनक राज के साथ उनकी पहले की फिल्मों में काम कर चुके थे और उसी वजह से वो इस फिल्म में भी देखने को मिले थे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म की पूजा सेरेमनी थी वो तीन अक्टूबर 2019 को स्टार्ट की गई थी जहां पे कास्ट और क्रू और जिस तरह से जितने भी मेंबर थे फिल्म के साथ जुड़े हुए वहीं पे उस इवेंट में प्रेजेंट थे चार अक्टूबर से इस फिल्म को एक ट्विटर हैंडल के थ्रू रत्ना कुमार ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के और क्रो राइटर के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए वैसा एक अनाउंसमेंट दिया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग अलग अलग शेड्यूल के तहत कम्प्लीट करवाया हुआ था फिल्म का पहला शेड्यूल चेन्नई में रखा गया था जिसको पंद्रह दिनों में कंप्लीट किया हुआ था दूसरा शेड्यूल था वो करीबन बीस दिनों का था जिसको दिल्ली में सेट किया हुआ था जिसको नवंबर 2019 में शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स नॉर्थ कैंपस में इस फिल्म को शूट किया गया था और इसके अलावा फिल्म को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर शूट किया गया था जहाँ पे शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में विजय सेतुपति और तलपते विजय के बीच में जो सीन फीचर्स हुए वहाँ पे शूट किया शूट किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म का डेली डेली शेड्यूल को भी कंप्लीट करवाया गया था जहाँ पे करीबन इस फिल्म को अलग अलग शेड्यूल के तहत कंप्लीट करवाया था और उसके बाद में इस फिल्म को फरवरी 2020 तक करीबन एक दिन वर्किंग डेज़ के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था तो इस तरह से फिल्म के शूटिंग में इतना लंबा समय लगा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को जब कुछ पोर्सन थे कुछ ऐसी चीज़ें थी उसको पेज वर्क के साथ कंप्लीट करवाया जिस वजह से फिल्म के एक दिन में थोड़े दिन और बड़े हुए थे उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया हुआ जहाँ पे मार्च 2020 तक तो कोविड 19 की वजह से काम रुक चुका था धीरे धीरे बाद में फिर से काम स्टार्ट किया गया रिज्यूम किया गया उसके बाद में जैसे थोड़ा बहुत मार्केट ओपन हुआ तब इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करवाया हुआ था तब फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी थी कई जगह पे थिएटर क्लोज थे उसके बावजूद जिस तरह से फिल्म ने ओपनिंग ली हुई थी वो काफ़ी धमाकेदार थी जिस वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रन ले गई थी और लोगों को पसंद भी आई थी फिल्म अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो उससे पहले मैं आपको इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट साथ ही में इस फिल्म की स्टार कास्ट में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर करा है उसके बारे में बता देता हूं इस फिल्म के म्यूज़िक के सोनी म्यूज़िक इंडिया ने खरीदे हुए हैं वहीं पर उन्होंने सभी वर्जन के राइट्स अच्छे खासे प्राइज़ में खरीदे हुए हैं दो हज़ार में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था जिसके म्यूज़िक की कंपोजिशन अनिरुद्ध रविचंदन ने की हुई गानों की और बैकग्राउंड स्कोर दोनों की पंद्रह मार्च दो तक सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के गानों को अलग अलग स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाया गया था इस फिल्म में टोटल आठ गाने तमिल वर्जन में दूसरे सभी वर्जन है वहाँ पे भी आठ आठ गाने सुनने को मिलेंगे हिंदी तेलुगु, कन्नडा मलयालम सभी वर्जन में जहाँ पे तमिल वर्जन की ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है वाथी कमिंग जो बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था जिसके लिरिक्स गना बाला चंद्रन ने लिखे हुए थे सिंगर गना बालाचंद्रन और अनिरुद्ध रविचंद्र थे वहीं पे दूसरा गाना अंधकन्ना पत्थकल्ला जिसके लिरिक्स विग्नेश सिवान ने लिखे हुए थे और सिंगर थे युवान शंकर तीसरा गाना कुट्टी स्टोरी जिसके लिरिक्स लिखे थे अनुराज कामराज ने सिंगर थे विजय और अनिरुद्ध पाँचवा गाना था बेस्ट ऑफ मास्टर इंस्ट्रूमेंटल जो कंपोज किया हुआ था निरुद्ध रविचंद्र ने पोला कुत्तो पारा पारा करके जो गाना था उसके लिरिक्स लिखे विष्णु इडावन ने और सिंगर थे संतोष नारायण छठा गान सातवा गाना जो था पोना पोगत्तम जिसके लिरिक्स लिखे विष्णु इडावन ने और सिंगर थे सी बी बी ने आठवां गाना वाथी रेड जिसके लिरिक्स लिखे हुए ने और सिंगर थे आरिव और अनिरुद्ध रविचंदर तो इस तरह से टोटल आज गाने थे जिसको कंपोज किया था अनिरुद्ध रविचंदर ने जिसको फिलहाल में आप यूट्यूब पे सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अलग अलग लैंग्वेज में सुन सकते हो जहाँ पे हिंदी वर्जन की ट्रैक लिस्टिंग करे तो पहला गाना है मास्टर कमिंग दूसरा गाना है वो मुस्कुराट आंखों का तीसरा गाना है छोटी स्टोरी चौथा गाना है कैद करना पांचवा गाना है बेस्ट ऑफ मास्टर इंस्ट्रूमेंटल छठा गाना है ढोलतास बजा बजा सातवा गाना है रोशनी से भर उठा और आठवां गाना है मास्टर रेड तो इस तरह से इतने गाने वो आपको हिंदी वर्जन में भी सुनने को मोल मिलेंगे सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तो इस तरह से इन गानों को यूट्यूब पे फ्री में ऑफिशियली आप इंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो इस फिल्म में काफ़ी बड़ी कास्ट है तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के रोल बता देता हूँ विजय ने जेडी डी दुरारी राज यानी कि जॉन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक अल्कोहलिक कॉलेज प्रोफेसर है जो अपने फ्रेंड्स और साथी में स्टूडेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इसके अलावा विजय सेतुपति तो भवानी के रोल में दिखाई देंगे जो एक नोटोरियस गैंगस्टर है जो एक रूथलेस एक काम करता हुआ नजर आ रहा है क्रिमिनल एक्टिविटीज वो भी जेल के अंदर करता हुआ नजर आ रहा है वहीं पे उनका यंगर वर्जन है वो महेंद्रन ने प्ले किया हुआ यंग भवानी का और मालविका मोहन चारूलता चारू प्रसाद के रोल में दिखाई देंगे शांतनु भाग्यराज ने भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है एंड्रे जेरेमिया को वाति का रोल वनाती का रोल दिया गया है जो जेडी की फ्रेंड है और आरकरी एक्सपर्ट है वहीं पर अर्जुन दास देखने को मिलेंगे दास के रोल में गौरी जी किशन को सविता का रोल दिया गया था नजर ने कॉलेज फाउंडर का रोल प्ले किया हुआ था अलागर पेलोमल ने कॉलेज प्रिंसिपल का रोल प्ले किया गया था इस तरह से इतने आर्टिस्ट थे जो कुछ इंपोर्टेंट किरदार अलग अलग प्ले करते हुए नजर आए थे अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी में चेरी यानी कि थलपते विजय एक एल्कोहलिक प्रोफेसर बताया हुआ है जो कॉलेज के जो हेड से उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा हेड करते आ रहे हैं उनको और इसके अलावा वो कोई भी रोल फॉलो नहीं करता है और वो पर स्टूडेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है उनके हक के लिए काफ़ी ज़्यादा बात करता हुआ नजर आ रहा है लेकिन कुछ एक ऐसा बड़ा इश्यू होता है जिसकी वजह से उसको करेक्शन सेंटर भेज दिया जाता है कुछ यंग क्रिमिनल बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए दूसरी तरफ करेक्श करेक्शन जो सेंटर है वो मैनेज करता है भवानी यानी कि विजय सेतुपति जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इनलीगल एक्टिविटी करता हुआ नजर आ रहा है जो पुलिस वहाँ पे तैनात है वो उसका का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है और वो बच्चों को लेकर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी का तोा नजर आ रहा है तो अब किस तरह से जे को इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जब ये सभी चीज़ें पता चलेगी तो जे किस तरह से भवानी के सामने खड़ा रहता है वो एक ट्रेंडेड रेडेड गैंगस्टर है तो उसके सामने कैसा खड़ा रहता है किस तरह से उन सभी चीज़ों को शॉर्ट आउट करेगा और भवानी को किस तरह से वो ख़त्म करता है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है जहाँ पे फिल्म का जो सेटअप किया गया था वो काफ़ी बढ़िया था स्टोरी आइडिया अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे विजय के किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ था काफ़ी अच्छे खासे स्कोप के साथ क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे एक अच्छा खासा स्कोप क्रिएट किया था मास मिनिया सीन के लिए जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सेट किया हुआ है थल विजय इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया हैंडसम नजर आ रहे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी उनका डांस परफॉर्मेंस जिस तरह से वो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी शानदार है इसके अलावा दूसरी तरफ एक और बड़े एक्टर आपको विलन के रोल में दिखाई देंगे यानी कि विजय सेतुपति उनका रोल भी डायरेक्टर ने उसी लेवल पे उसी कदर के साथ लिखा हुआ है जहाँ पे एक उनको एक लोकल लुक दिया गया था जिसको उन्होंने काफ़ी सुपर मैनर में, में हैंडल किया हुआ है उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इंप्रेसिव है उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी टॉप क्लास देखने को मिलती है उनके जितने भी सीन क्रिएट हुए वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आते हैं जो आपको आसानी से स्क्रीन पर अट्रैक्ट करने के लिए जाने जाएंगे जहाँ पे उनकी डायलॉग डिलीवरी जो जिस तरह से वो डिलीवर करते जिस तरह से उनका एक फेशियल एक्सप्रेशन रहता है जिस तरह से वो पूरी तरह से वो कैरेक्टर हैंडल करते वो आपको प्रॉपर वे में इन्जॉयमेंट देने वाले मालविका मोहनन को एक सिंपल नीट रोल दिया गया था जहाँ पे वो काफी बढ़िया रोल तरीके से उस रोल को निभा रही थी फिल्म का जो एक टर्निंग पॉइंट होता है वो की रोल उनके पास था जहाँ पे उन्होंने काफी बढ़िया काम किया हुआ है फाइट सीन पे दोनों लीड एक्टर्स के बीच में यानी कि विजय विजय सेतुपति के बीच में जिस तरह से क्रिएट की हुई है वो अमेजिंग है वहाँ पे कैमरा वर्क आर्ट डायरेक्शन जिस तरह से वो फाइट मास्टर ने सभी चीजों को कंपोज किया हुआ था जिस तरह से कोरियोग्राफी सेट की हुई थी एक्शन की वो बढ़िया थी कबड्डी सीन जिस तरह से विजय के साथ क्रिएट किया हुआ था फिल्म का इंटरवल बैंक जहाँ पे फोन कन्वर्जेशन सुनने को मिलती है विजय का जो इंट्रो दिखाया हुआ है फिल्म में इसके अलावा अनिर अनिरुद्ध रविचंद्र का जो बीजीएम सुनने को मिलता है वो सभी चीज़ें फिल्म की वन ऑफ दी हाईलाइट पॉइंट में शामिल होती है फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो हीरो विलन के बीच में जो सीन दिखाए हुए वो काफ़ी ज़्यादा कम थे उसको और बेहतर वे में फर्स्ट और सेकंड हाफ सेकंड हाफ़ में ऐड किया जा सकता था करंट कंफनट्रेशन वाले सीन जितने बेहतर होते कि जितने ज़्यादा होते जितने अच्छे खासे तरीके से एग्जीक्यूट किए होते वो फिल्म को और बेहतर बना सकता था थलपते विजय और विजय सेतुपति सिर्फ फिल्म के क्लाइमेक्स में मिलते हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हैंडल किया है लेकिन वो सभी चीज़ें पहले ही ऐड कर देते तो फिल्म और बेहतर वे में हमारे सामने निखर के आ सकती थी इसके अलावा उन दोनों के जितने भी इंडिविजुअल सीन क्रिएट हुए जहाँ पे जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई हुई है वो सभी चीज़ें स्टोरी के हिसाब से सिंपल जा रही थी वहाँ पे प्रॉपर वे में कई चीज़ों को तो एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ है करेक्शन सेंटर इस फिल्म का विलन है वो जिस तरह से ओवरटेकन कर लेता है वो किस तरह से करता है वो सभी चीज़ें नहीं बताई हुई है इसके अलावा फिल्म को करीबन 20-25 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था क्योंकि ऐसे कुछ सीन्स थे जिसको हटा देते तो फिल्म की कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था लोकेश कनक ने जिस तरह से क्राइम ड्रामा को शोकेश किया हुआ है वो काफी ग्रेटी मैनर में उन्होंने दिखाया हुआ था स्टार वैल्यू को भी काफ़ी ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ों को उन्होंने नेरेट किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने जो कहानी दिखाई है वो जरूर थोड़ी प्रिडिक्टेबल नजर आएगी लेकिन जिस तरह से स्टार वैल्यू को जस्टिफाई किया हुआ है थ्रिलिंग मोमेंट को जिस तरह से कहानी का आइडिया था वो सभी चीज़ें उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल की हुई है फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो टॉप नॉच प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिलती है अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है फिल्म में जो फिल्म की हर एक फ्रेम में नजर आता है फिल्म का आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था फिल्म के सभी एक्टर को जो स्टाइलाइज किया हुआ था वो अच्छा था लाइटिंग इफेक्ट बढ़िया थी कलर ग्रेडिंग कलर टोन अच्छा था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट थी फिल्म को और छोटा किया जा सकता था कैमरा वर्क फिल्म का काफ़ी शानदार था जेल का सेटअप जो शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी रियलिस्टिक मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा हिंदी डबिंग के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के लिरिक्स से वो डिसेंट वे में लिखे हुए थे प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म के अच्छी तरह से देखने को मिलती है कॉलेज का सेटअप म्यूजिक काफी टॉप क्लास टॉप क्लास का सुनने को मिलता है सॉन्ग्स बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अवल दर्जे के थे जो फिल्म को अच्छी खासी तरीके से हेल्प कर रहा था इस फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनक का ने काफी बढ़िया तरीके से फिल्म को हैंडल किया हुआ है जहाँ पे फिल्म के कुछ इमोशंस आपको कनेक्ट करेंगे वहीं पे कुछ इमोशनल सीन्स आपको थोड़े वीक नज़र आ सकते हैं इस फिल्म में विजय का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है जिस तरह से एक्शन सिक्वेंस से जो स्टोरी का आइडिया था जो एक मैसेज था उसको बढ़िया तरीके से उन्होंने डिलीवर किया हुआ है हालांकि दोनों लीड एक्टर मेन प्रोटोकोनिस और मेन एंटागोनिस के बीच में अगर थोड़े और कंफ्रंटेशन वाले सीन क्लाइमैक्स के पहले डाल देते तो और बेहतर रहता ओवरऑल एक अच्छी खासी एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जिसे जरूर देखा जा सकता है जहाँ पे इस फिल्म में आपको थल पते विजय और विजय सेतुपति दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बो देखने को मिलता है हीरो विलन का जो एक टग ऑफ वॉर देखने को मिलता है वो आपको जरूर पसंद आएगा फिल्म की कहानी पसंद आएगी उसके ट्रीटमेंट पसंद आएगी स्टोरी वाइज ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी थोड़ी लेंदी लग सकती है अदरवाइज अगर उस चीज़ को इग्नोर करते हो तो फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है काफी सारी चीज़ें जो जरूर पसंद आ सकती है जिस वजह से इस फिल्म को जरूर देखा जा सकता है अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो मास्टर को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया गया था वैसे तो पहले जब फिल्म को अनाउंस किया गया था तब ये फिल्म सिर्फ तेलुगु वर्जन सॉरी सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज़ होने वाली थी उसके बाद में तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन को ऐड किया गया था लेकिन जब फाइनली रिलीज़ किया गया तब मास्टर फिल्म को तेलुगु कन्नडा हिंदी डब्ड वर्जन के साथ तमिल मेन लैंग्वेज में रिलीज किया गया था टोटल चार लैंग्वेज में जहाँ पे इस फिल्म के मलयालम वर्ज़न को करीबन काफ़ी लंबे समय के बाद ओ टी टी पे डायरेक्ट प्रीमियर करवाया हुआ था यानी कि इस फिल्म को डब्ड वर्जन को लेट रिलीज करवाया गया था तो इस तरह से टोटल पाँच लेंगे जिसमें इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे फिल्म का बजट एक करोड़ था और यूएस सर्टिफिकेट के साथ तेरह जनवरी दो को इस फिल्म को रिलीज किया गया था जहाँ पे हिंदी वर्जन में इस फिल्म को विजय दी मास्टर नाम दिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी रिमेक राइट्स भी बेचे गए लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं मिली है अदरवाइज इस फिल्म का जो हिंदी डप्ट वर्जन है विजय दी मास्टर उसको बिफोर मोशन पिक्चर्स वालों ने डप्ट करके रिलीज करवाया हुआ था वही इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर थे वहीं पे सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने इस फिल्म को तमिल वर्जन में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को आई पे करीबन चौहत्तर हजार वोट मिले हुए थे जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था ज्यादातर क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था वहीं पर ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी राइट्स के ऊपर तो फिल्म को तो काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था जहाँ पे फिल्म के डबिंग राइट्स ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स सैटेलाइट राइट्स म्यूजिक राइट डिजिटल राइट्स सभी राइट्स को मिलाकर करीबन 200 करोड़ में इस फिल्म को बचा गया बेचा गया था प्री रिलीज बिजनेस 200 करोड़ का था वो कोविड 19 में ऐसा करने वाली एक पहली फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का थिएट्रिकल जो प्री रिलीज बिजनेस है वो करीबन एक करोड़ तीस लाख का सुनने में आया था जहाँ पे मास्टर फिल्म का वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था एस एस ललित कुमार ने सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को तमिलनाडु में काफ़ी बढ़िया लेवल पे रिलीज किया हुआ था वहीं पे मलयालम वर्जन केरला में इस फिल्म को पृथ्वीराज सुमार ने पृथ्वीराज प्रोडक्शन के नीचे अपने बैनर के नीचे रिलीज करवाया हुआ था इस तरह से धीरज इंटरप्राइज और महेश कोनेरू ने मिलकर यानी कि ईस्ट कोस्ट प्रोडक्शन ने मिलकर इस फिल्म के कर्नाटक के लिए डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ख़रीदे हुए थे और आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के लिए और वहाँ पे इस फिल्म को रिलीज किया गया था उनके तहत वहाँ पे भी बढ़िया स्क्रीनिंग मिली हुई थी यू यूनाइटेड इंडिया एक्सपोर्ट्स और मालिक स्ट्रीम्स ने इस फिल्म को ओवरसीज के राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पे हिंदी वर्जन और नॉर्थ इंडिया की रिलीज के लिए जो राइट्स थे वो भी फॉरी मोशन पिक्चर्स को दिए गए थे जिन्होंने एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई हुई थी ये फिल्म फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी के साथ रिलीज़ की गई थी जहाँ पे लोट लोटस फाइव स्टार बोर्ड बोट डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स इन मलेशिया और सिंगापुर तो इस तरह से अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के तहत इस फिल्म को रिलीज किया गया था फिल्म ने टीजर ट्रेलर ने कहीं बढ़िया रिकॉर्ड क्रिएट किए थे फिल्म का मार्केट में बस बढ़िया था जिसके चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया ओपनिंग ली हुई थी और उसी के चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने में कामयाब रही थी जहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पहले दिन करीबन 25 करोड़ की ओपनिंग ली हुई थी उसके बाद में फिल्म जिस तरह से एक रिसेंट मिक्स रिस्पांस मिला था तब फिल्म ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड जो ग्रोस कलेक्शन है तीन दिनों का वो करीबन एक करोड़ का करके दिखाया हुआ था और ये कोविड के समय के बाद आने वाली पहली ऐसी फिल्म थी जिसने सौ करोड़ का मार्क हासिल किया हुआ था और तीन दिनों में करीबन पचास करोड़ का कलेक्शन तो तमिलनाडु से भी निकला हुआ था और इस फिल्म का जो फाइनल रन निकल के आया था वो करीबन एक करोड़ सिर्फ तमिलनाडु से था और ये 2021 की तमिलनाडु की वन ऑफ़ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी साबित हुई थी और इंडिया की भी वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे तब अनाथा अन्नाथे फिल्म को भी इस फिल्म ने सरप्राइज उसके बाद इस फिल्म को सरप्राइज़ किया था अन्नाथे फिल्म ने रजनीकांत जी की फिल्म थी डेढ़ सौ करोड़ उस फिल्म ने कलेक्ट किए हुए थे इस फिल्म का जो पहले वीक का कलेक्शन था वो वर्ल्डवाइड करीबन एक सौ चालीस करोड़ का था नौ दिनों में इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया धमाका मचा दिया था उसके बाद में डे बाय डे इस फिल्म को काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस मिला और उसी के चलते इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और बाद में इस फिल्म ने 135 करोड़ के बजट के सामने 250 से 300 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया उसके अलावा सैटेलाइट ओटीटी राइट्स को बेचते हुए फिल्म ने काफ़ी बढ़िया लेवल पर प्रॉफिट करके दिया हुआ था और मेकर्स ने तो इस फिल्म से काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के जो ओ और सेटेलाइट राइट्स है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म को बेचे गए थे जहाँ पर इस फिल्म के जो डिजिटल राइट्स है वो अमेज़न प्राइम वीडियो के पास करीबन बावन करोड़ में बेचे गए थे और इस फिल्म के सभी वर्ज़न को वहीं पे प्रीमियर करवाया हुआ था और इसके अलावा हिंदी वर्जन था उसके राइट्स जी फाइव को बेचे गए थे और इसी के साथ इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स वो तमिल तमिल लैंग्वेज के लिए और दूसरी साउथ इंडियन लैंग्वेज के लिए सन टी नेटवर्क को बेचे गए थे करीबन बत्तीस करोड़ में टीवी प्रीमियर सन टीवी के ऊपर तमिल लैंग्वेज में इस फिल्म को क्रिएट किया तमिल लैंग्वेज के साथ साथ दूसरी लैंग्वेज में प्रीमियर करवाया गया था मलयालम वर्जन को सूर्या टीवी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स से वो सी नेटवर्क ने खरीदे हुए थे इस वजह से इसी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म को विजय दी मास्टर के नाम से प्रीमियर करवाया था वहीं पे जी फाइव के ऊपर इस फिल्म को विथिंगली सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ था तो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म आपको तमिल तेलगु कन्नडा मलयालम ये चार वर्जन में चार साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट राइट्स है वो सन टीवी नेटवर्क के पास है तो ये सभी साउथ इंडियन लैंग्वेज़ में अलग अलग टेलीविज़न चैनल जैसे कि सन टीवी वी या और साथ ही में सूर्या टीवी जैसी चैनल के ऊपर इस फिल्म को तमिल तेलगु कन्नडा मलयालम वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा वहीं पे इस फिल्म को आप वहाँ पे इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा हिंदी डब्ड वर्जन के राइड्स है वो जी नेटवर्क के पास है जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी में वैसे तो बिफोर इमोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उन्होंने जी नेटवर्क को इस फिल्म के ओ और सैटेलाइट राइट्स बेचे हुए थे जहाँ पे विजय दी मास्टर के नाम के साथ इस फिल्म को हिंदी वर्जन में जी सिनेमा के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था तो जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर ये फिल्म आपको विजय दी मास्टर नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म को ओ टी टी पी जी फाइव के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन को विजय दी मास्टर नाम के साथ हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से मास्टर या तो विजय दी मास्टर फिल्म आप तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो मास्टर जो दो हजार इक्कीस की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में विजय दी मास्टर नाम से डब करवाया गया है वहीं पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो लोकेश कनक का था उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है वो लोकेश कनक ने खुद की हुई थी उसमें जो डायलॉग्स है वो लोकेश कनक राज रत्ना कुमार पवन पार्थिबन ने मिलकर लिखे हुए हैं वहीं पे हिंदी वर्जन के डायलॉग्स शिव गोपाल कृष्णा ने लिखे हुए है इसके अलावा इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन है वो लोकेश कनक ने खुद किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस सेवियर ब्रिटो ने और एस जेवर ब्रिटो ने इस फिल्म को काफ़ी बड़े बजट के साथ करीबन एक सौ पैंतीस करोड़ के बजट के साथ अपने प्रोडक्शन कंपनी यानी कि एक्स बी फिल्म क्रिएटर्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने जिन्होंने इस फिल्म को कोविड के टाइम पे काफ़ी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को Uh, करीबन यू सर्टिफिकेट के साथ एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था उसके बावजूद फिल्म ने फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी होने के बावजूद काफ़ी धमाका मचाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विजय इसके अलावा विजय सेतु सेतुपति का रोल प्ले करे मेन एंटागोनिस्ट का साथ ही में मालविका मोहन है जो विजय के अपोजिट कास्ट की गई है के साथ शांतनु भाग्यराज

कुमार वहीं पे लिंटू रॉय दीनू लल्लू उदयराज पुवैर श्रीमाव श्रीमन संजीव श्रीनाथ प्रेम कुमार नागेंद्र प्रसाद संगीता वी मास्टर भागवास और वसंती ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे कुछ ने इसमें से जो रोल प्ले किए हुए उनके रोल डिलीट हो चुके हैं जिसे कि सूर्खा वानी ने आदिक की मां का रोल प्ले किया हुआ था उनका सीन ही फिल्म से हट चुका था वहीं पे कुछ ने सिर्फ गानों में केम्योपेरेंस दिया हुआ है तो इतनी ये फिल्म की मेन कास्ट है जिन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी सत्यान सूर्या ने किए हुई है एडिटिंग फिलोमिन राज ने किए हुए म्यूजिक दिया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के गाने फिल्म का साउंड ट्रेक काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था जहां पे सभी वर्जनस में ये साउंड ट्रैक कमाल कर गया था इस फिल्म के गानों को पांच लैंग्वेज में रिक्रिएट किया गया था सोनी म्यूजिक के पास इस फिल्म के सभी वर्जन के राइट्स थे जिन्होंने काफ़ी बड़ी रकम दे इस फिल्म के गानों के राइट्स खरीदे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को 2019 में बिगिल के बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करवा दिया गया था जहाँ पे फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाद में करवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 120 दिनों के कॉल सीट के साथ बनाने का फैसला लिया गया था जहाँ पे इस फिल्म को बनाते समय बताया जा रहा था कि केती फिल्म के साथ शायद ये फिल्म कनेक्ट हो सकती है लेकिन बाद में पता चला कि मास्टर फिल्म अलग है केती के साथ जो फिल्म कनेक्ट करने वाले थे वो विक्रम थी इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग में काफ़ी सारे अलग अलग एक्टर्स को लिया गया था जहाँ पे इस फिल्म में अर्जुन है वो मेन इंटागोनिस का रोल प्ले करने वाले थे अर्जुन सरजा लेकिन बाद में ऑफिशियली जब अनाउंसमेंट हुई तब विजय सेतुपति को लिया गया था के आर आडवानी राशिक खन्ना रश्मिका मंदना को लीड रोल के लिए लिया जाने वाला था लेकिन उन सभी कंसिडरेशन के बीच में इस फिल्म का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया तब मालविका मोहनन को फिल्म का लीड रोल दिया गया था तो इस तरह से इस फिल्म की लीड कास्ट की कास्टिंग की गई थी बाद में तो अलग अलग एक्टर्स को कुछ अलग अलग काम के तहत इसमें लिया गया था और कुछ एक्टर्स ऐसे थे जो ऑलरेडी फिल्म के डायरेक्टर यानी कि लोकेश कनक राज के साथ उनकी पहले की फिल्मों में काम कर चुके थे और उसी वजह से वो इस फिल्म में भी देखने को मिले थे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म की पूजा सेरेमनी थी वो तीन अक्टूबर 2019 को स्टार्ट की गई थी जहाँ पे कास्ट और क्रू और जिस तरह से जितने भी मेंबर थे फिल्म के साथ जुड़े हुए वहीं पे उस इवेंट में प्रेजेंट थे चार अक्टूबर से इस फिल्म को एक ट्विटर हैंडल के थ्रू रत्ना कुमार ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के और क्रो राइटर के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हुए सा एक अनाउंसमेंट दिया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग अलग अलग शेड्यूल के तहत कम्प्लीट करवाया हुआ था फिल्म का पहला शेड्यूल चेन्नई में रखा गया था जिसको पंद्रह दिनों में कम्प्लीट किया हुआ था दूसरा शेड्यूल था वो करीबन बीस दिनों का था जिसको दिल्ली में सेट किया हुआ था जिसको नवंबर 2019 में शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स नॉर्थ कैंपस में इस फिल्म को शूट किया गया था और इसके अलावा फिल्म को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर शूट किया गया था जहाँ पे शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में विजय सेतुपति और तलपते विजय के बीच में जो सीन फीचर्स हुए वहाँ पे शीट किया शूट किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म का डेली डेली शेड्यूल को भी कंप्लीट करवाया गया था जहाँ पे करीबन इस फिल्म को अलग अलग शेड्यूल के तहत कंप्लीट करवाया था और उसके बाद में इस फिल्म को फरवरी 2020 तक करीबन एक दिन वर्किंग डेज़ के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग में इतना लंबा समय लगा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को जब कुछ पोर्सन थे कुछ ऐसी चीज़ें थी उसको पेज वर्क के साथ कंप्लीट करवाया जिस वजह से फिल्म के एक दिन में थोड़े दिन और बड़े हुए थे उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया हुआ जहाँ पे मार्च 2020 तक तो कोविड 19 की वजह से काम रुक चुका था धीरे धीरे बाद में फिर से काम स्टार्ट किया गया रिज्यूम किया गया उसके बाद में जैसे थोड़ा बहुत मार्केट ओपन हुआ तब इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करवाया हुआ था तब 50 परसेंट ऑक्यूपेंसी थी कई जगह पे थिएटर क्लोज थे उसके बावजूद जिस तरह से फिल्म ने ओपनिंग ली हुई थी वो काफ़ी धमाकेदार थी जिस वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रन ले गई थी और लोगों को पसंद भी आई थी फिल्म अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो उससे पहले मैं आपको इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट साथ ही में इस फिल्म की स्टार कास्ट में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं उसके बारे में बता देता हूं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स सोनी म्यूजिक इंडिया ने खरीदे हुए वहीं पर उन्होंने सभी वर्जन के राइट्स अच्छे खासे प्राइज में खरीदे हुए दो हजार में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था जिसके म्यूजिक की कंपोजिशन अनिरुद्ध रविचंदन ने की हुए गानों के और बैकग्राउंड स्कोर दोनों की पंद्रह मार्च दो हज़ार बीस तक सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के गानों को अलग अलग स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाया गया था इस फिल्म में टोटल आठ गाने तमिल वर्जन में और दूसरे सभी वर्जन है वहाँ पे भी आठ आठ गाने सुनने को मिलेंगे हिंदी तेलुगु कन्नडा मलयालम सभी वर्जन में जहाँ पे तमिल वर्जन की ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है वाथी कमिंग जो बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था जिसके लिरिक्स गना बालाचंद्रन ने लिखे हुए थे सिंगर गना बालाचंद्रन और अनिरुद्ध रविचंद्र थे वहीं पे दूसरा गाना अंधकन्ना पत्थकला जिसके लिरिक्स विघ्नेश सिंह ने लिखे हुए थे और सिंगर थे युवान शंकर तीसरा गाना कुट्टी स्टोरी जिसके लिरिक्स लिखे थे अनुराज कामराज ने सिंगर थे विजय और अनिरुद्ध पाँचवा गाना था बेस्ट ऑफ मास्टर इंस्ट्रूमेंटल जो कंपोज किया हुआ था निरुद्ध रविचंद्र ने पोला कुत्तो पारा पारा करके जो गाना था उसके लिरिक्स लिखे विष्णु इडावन ने और सिंगर थे संतोष नारायण छठा गान सातवा गाना जो था पोना पोगत्तम जिसके लिरिक्स लिखे विष्णु इडावन ने और सिंगर थे सी बी वी ने वा गाना वाथी रेड जिसके लिरिक्स लिखे हुए ने और सिंगर थे आरिव और अनिरुद्ध रविचंदर तो इस तरह से टोटल आज गाने थे जिसको कंपोज किया था अनिरुद्ध रविचंदर ने जिसको फिलहाल में आप यूट्यूब पे सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अलग अलग लैंग्वेज में सुन सकते हो जहाँ पे हिंदी वर्जन की ट्रैक लिस्टिंग करे तो पहला गाना है मास्टर कमिंग दूसरा गाना है वो मुस्कुराट आंखों का तीसरा गाना है छोटी स्टोरी चौथा गाना है कैद करना पांचवा गाना है बेस्ट ऑफ मास्टर इंस्ट्रूमेंटल छठा गाना है ढोलतास बजा बजा सातवां गाना है रोशनी से भर उठा और आठवा गाना है मास्टर रेड तो इस तरह से इतने गाने वो आपको हिंदी वर्जन में भी सुनने को मोल मिलेंगे सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तो इस तरह से इन गानों को यूट्यूब पे फ्री में ऑफिशियली आप इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो इस फिल्म में काफ़ी बड़ी कास्ट है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रोल बता देता हूँ विजय ने जेडी डी दुरारी राज यानी कि जॉन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक अल्कोहलिक कॉलेज प्रोफेसर है जो अपने फ्रेंड्स और साथी में स्टूडेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इसके अलावा विजय सेतुपति तो भवानी के रोल में दिखाई देंगे जो एक नोटोरियस गैंगस्टर है जो एक रूथलेस एक काम करता हुआ नजर आ रहा है क्रिमिनल एक्टिविटीज वो भी जेल के अंदर करता हुआ नजर आ रहा है वहीं पे उनका यंगर वर्जन है वो महेंद्रन ने प्ले किया हुआ यंग भवानी का और मालविका मोहन चारूलता चारू प्रसाद के रोल में दिखाई देंगे शांतनु भाग्यराज ने भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है एंड्रिया जेरेमिया को वाति का रोल वनाती का रोल दिया गया है जो जेडी की फ्रेंड है और आरकरी एक्सपर्ट है वहीं पर अर्जुन दास देखने को मिलेंगे दास के रोल में गौरी जी किशन को सविता का रोल दिया गया था नजर ने कॉलेज फाउंडर का रोल प्ले किया हुआ था अलागर पेलोमल ने कॉलेज प्रिंसिपल का रोल प्ले किया गया था इस तरह से इतने आर्टिस्ट थे जो कुछ इंपोर्टेंट किरदार अलग अलग प्ले करते हुए नजर आए थे अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी में चेरी यानी कि थलपते विजय एक एल्कोहलिक प्रोफेसर बताया हुआ है जो कॉलेज के जो हेड से उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा हेट करते आ रहे हैं उनको और इसके अलावा वो कोई भी रोल फॉलो नहीं करता है और वो पर स्टूडेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है उनके हक के लिए काफ़ी ज़्यादा बात करता हुआ नजर आ रहा है लेकिन कुछ एक ऐसा बड़ा इश्यू होता है जिसकी वजह से उसको करेक्शन सेंटर भेज दिया जाता है कुछ यंग क्रिमिनल बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए दूसरी तरफ करेक्श करेक्शन जो सेंटर है वो मैनेज करता है भवानी यानी कि विजय सेतुपति जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इनलीगल एक्टिविटी करता हुआ नजर आ रहा है जो पुलिस वहाँ पे तैनात है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है और वो बच्चों को लेकर कुछ क्रिमिनल uh, एक्टिविटी का तोा नजर आ रहा है तो अब किस तरह से जे को इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जब ये सभी चीज़ें पता चलेगी तो जे किस तरह से भवानी के सामने खड़ा रहता है वो एक ट्रेंडेड गे, रेडेड गैंगस्टर है तो उसके सामने कैसा खड़ा रहता है किस तरह से उन सभी चीज़ों को शॉर्ट आउट करेगा और भवानी को किस तरह से वो ख़त्म करता है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है जहाँ पे फिल्म का जो सेटअप किया गया था वो काफ़ी बढ़िया था स्टोरी आइडिया अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे विजय के किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ था काफ़ी अच्छे खासे स्कोप के साथ क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे एक अच्छा खासा स्कोप क्रिएट किया था मास मिन सीन के लिए जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सेट किया हुआ है तलपते विजय इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया हैंडसम नजर आ रहे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी उनका डांस परफॉर्मेंस जिस तरह से वो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी शानदार है इसके अलावा दूसरी तरफ एक और बड़े एक्टर आपको विलन के रोल में दिखाई देंगे यानी कि विजय सेतुपति उनका रोल भी डायरेक्टर ने उसी लेवल पे उसी कदर के साथ लिखा हुआ है जहाँ पे एक उनको एक लोकल लुक दिया गया था जिसको उन्होंने काफ़ी सुपर में वे मैनर में हैंडल किया हुआ है उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इंप्रेसिव है उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी टॉप क्लास देखने को मिलती है उनके जितने भी सीन क्रिएट हुए वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव नज़र आते जो आपको आसानी से स्क्रीन पे अट्रैक्ट करने के लिए जाने जाएंगे जहाँ पे उनकी डायलॉग डिलीवरी जो जिस तरह से वो डिलीवर करते जिस तरह से उनका एक फेशियल एक्सप्रेशन रहता है जिस तरह से वो पूरी तरह से वो कैरेक्टर हैंडल करते वो आपको प्रॉपर वे में इन्जॉयमेंट देने वाले हैं मालविका मोहनन को एक सिंपल नीट रोल दिया गया था जहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रोल को निभा रही थी फिल्म का जो एक टर्निंग पॉइंट होता है वो की रोल उनके पास था जहाँ पे उन्होंने काफी बढ़िया काम किया हुआ है क्लाइमेक फाइट सीन जहाँ पे दोनों लीड एक्टर्स के बीच में यानी कि विजय विजय सेतुपति के बीच में जिस तरह से क्रिएट की हुई है वो अमेजिंग है वहाँ पे कैमरा वर्क आर्ट डायरेक्शन जिस तरह से वो फाइट मास्टर ने सभी चीज़ों को कंपोज किया हुआ था जिस तरह कोरियो से कोरियोग्राफी सेट की हुई थी एक्शन की वो बढ़िया थी कबड्डी सीन जिस तरह से विजय के साथ क्रिएट किया हुआ था फिल्म का इंटरवल बैंक जहाँ पे फोन कन्वर्जेशन सुनने को मिलती है विजय का जो इंट्रो दिखाया हुआ है फिल्म में इसके अलावा अनिरुद्ध अनिरुद्ध रविचंद्र का जो बीजीएम सुनने को मिलता है वो सभी चीज़ें फिल्म की वन ऑफ दी हाईलाइट पॉइंट में शामिल होती है फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो हीरो विलन के बीच में जो सीन दिखाए हुए वो काफ़ी ज़्यादा कम थे उसको और बेहतर वे में फर्स्ट और सेकंड साफ सेकंड हाफ़ में ऐड किया जा सकता था करंट कंफ्रट्रेशन वाले सीन जितने बेहतर होते कि जितने ज़्यादा होते जितने अच्छे खासे तरीके से एग्जीक्यूट किए होते वो फिल्म को और बेहतर बना सकता था थलपते विजय और विजय सेतुपति सिर्फ फिल्म के क्लाइमेक्स में मिलते हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हैंडल किया है लेकिन वो सभी चीज़ें पहले ही ऐड कर देते तो फिल्म और बेहतर वे में हमारे सामने निखर के आ सकती थी इसके अलावा उन दोनों के जितने भी इंडिविजुअल सीन क्रिएट हुए जहाँ पे जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई हुई है वो सभी चीज़ें स्टोरी के हिसाब से सिंपल जा रही थी वहाँ पे प्रॉपर वे में कई चीज़ों को तो एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ है करेक्शन सेंटर इस फिल्म का विलन है वो जिस तरह से ओवरटेकन कर लेता है वो किस तरह से करता है वो सभी चीज़ें नहीं बताई हुई है इसके अलावा फिल्म को करीबन 20-25 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था क्योंकि ऐसे कुछ सीन्स थे जिसको हटा देते तो फिल्म की कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था लोकेश कनक ने जिस तरह से क्राइम ड्रामा को शोकेश किया हुआ है वो काफी ग्रेटी मैनर में उन्होंने दिखाया हुआ था स्टार वेली को भी काफी ध्यान में रखते हुए सभी चीजों को उन्होंने ने नेरेट किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने जो कहानी दिखाई वो जरूर थोड़ी प्रिडिक्टेबल नजर आएगी लेकिन जिस तरह से स्टार वेली को जस्टिफाई किया हुआ है थ्रिलिंग मोमेंट को जिस तरह से कहानी का आइडिया था वो सभी चीज़ें उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल की हुई है फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो टॉप नॉच प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिलती है अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है फिल्म में जो फिल्म की हर एक फ्रेम में नज़र आता है फिल्म का आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था फिल्म के सभी एक्टर को जो स्टाइलाइज किया हुआ था वो अच्छा था लाइटिंग इफेक्ट बढ़िया थी कलर ग्रेडिंग कलर टोन अच्छा था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट थी फिल्म को और छोटा किया जा सकता था कैमरा वर्क फिल्म का काफ़ी शानदार था चेहल का सेटअप जो शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी रियलिस्टिक मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा हिंदी डबिंग के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के लिरिक्स से वो डिसेंट वे में लिखे हुए थे प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म की अच्छी तरह से देखने को मिलती है कॉलेज का सेटअप म्यूजिक काफ़ी टॉप टॉपलास टॉप क्लास का सुनने को मिलता है सॉन्ग्स बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अव्वल दर्जे के थे जो फिल्म को अच्छी खासी तरीके से हेल्प कर रहा था इस फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म को हैंडल किया हुआ है जहाँ पे फिल्म के कुछ इमोशंस आपको कनेक्ट करेंगे वहीं पे कुछ इमोशनल सीन्स आपको थोड़े वीक नज़र आ सकते हैं इस फिल्म में विजय का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है जिस तरह से एक्शन सिक्वेंस से जो स्टोरी का आइडिया था जो एक मैसेज था उसको बढ़िया तरीके से उन्होंने डिलीवर किया हुआ है हालाँकि दोनों लीड एक्टर मेन प्रोटोकोनिस और मेन एंटागोनिस के बीच में अगर थोड़े और कन्फ्रेंटेशन वाले सीन क्लाइमैक्स के पहले डाल देते तो और बेहतर रहता ओवरऑल एक अच्छी खासी एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जिसे ज़रूर देखा जा सकता है जहाँ पे इस फिल्म में आपको थल पते विजय और विजय सेतुपति दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बो देखने को मिलता है हीरो विलन का जो एक टग ऑफ वॉर देखने को मिलता है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा फिल्म की कहानी पसंद आएगी उसके ट्रीटमेंट पसंद आएगी स्टोरी वाइज ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी थोड़ी लेंदी लग सकती है अदरवाइज अगर उस चीज़ को इग्नोर करते हो तो फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है काफ़ी सारी चीज़ें जो ज़रूर पसंद आ सकती है जिस वजह से इस फिल्म को ज़रूर देखा जा सकता है अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो मास्टर को पेन इंडिया लेवल पे रिलीज़ किया गया था वैसे तो पहले जब फिल्म को अनाउंस किया गया था तब ये फिल्म सिर्फ तेलुगु वर्दा सॉरी सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज़ होने वाली थी उसके बाद में तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्ज़न को एड किया गया था लेकिन जब फाइनली रिलीज़ किया गया तब मास्टर फिल्म को तेलुगु कन्नडा हिंदी डब्ड वर्जन के साथ तमिल मेन लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था टोटल चार लैंग्वेजेस में जहाँ पे इस फिल्म के मलयालम वर्ज़न को करीबन काफ़ी लंबे समय के बाद ओ टी टी पे डायरेक्ट प्रीमियर करवाया हुआ था यानी कि इस फिल्म को डब्ड वर्ज़न को लेट रिलीज़ करवाया गया था तो इस तरह से टोटल पाँच लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे फिल्म का बजट एक सौ पैंतीस करोड़ था और यू एस सर्टिफिकेट के साथ तेरह जनवरी दो हज़ार इक्कीस को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे हिंदी वर्जन में इस फिल्म को विजय दी मास्टर नाम दिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी रिमेक राइट्स भी बेचे गए लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं मिली है अदरवाइज इस फिल्म का जो हिं, हिंदी वर्जन है विजय दी मास्टर उसको बिफोर इमोशन पिक्चर्स वालों ने डॉप्ट करके रिलीज करवाया हुआ था वही इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर थे वहीं पे सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने इस फिल्म को तमिल वर्जन में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को आई पे करीबन चौहत्तर हजार वोट मिले हुए थे जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पांस मिला था ज्यादातर क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था वहीं पर ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी राइट्स के ऊपर तो फिल्म को तो काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था जहाँ पे फिल्म के डबिंग राइट्स ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स सैटेलाइट राइट्स म्यूजिक राइट डिजिटल राइट्स सभी राइट्स, राइट्स को मिलाकर करीबन 200 करोड़ में इस फिल्म को बचा गया बेचा गया था प्री रिलीज बिजनेस 200 करोड़ का था वो कोविड 19 में ऐसा करने वाली एक पहली फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का थिएट्रिकल जो प्री रिलीज बिजनेस है वो करीबन एक करोड़ तीस लाख का शून्य में आया था जहाँ पे मास्टर फिल्म का वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था एस, एस ललित कुमार ने सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को तमिलनाडु में काफ़ी बढ़िया लेवल पे रिलीज़ किया हुआ था वहीं पे मलयालम वर्जन केरला में इस फिल्म को पृथ्वीराज सुकुमार ने पृथ्वीराज प्रोडक्शन के नीचे अपने बैनर के नीचे रिलीज़ करवाया हुआ था इस तरह से धीरज इंटरप्राइज एंटर्प्रा, और महेश कोनेरू ने मिलकर यानी कि ईस्ट कोस्ट प्रोडक्शन ने मिलकर इस फिल्म के कर्नाटक के लिए डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे हुए थे और आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के लिए और वहाँ पर इस फिल्म को रिलीज किया गया था उनके तहत वहाँ पर भी बढ़िया स्क्रीनिंग मिली हुई थी यू यूनाइटेड इंडिया एक्सपोर्ट्स और मालिक स्ट्रीम्स ने इस फिल्म को ओवरसीज के राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पे हिंदी वर्जन और नॉर्थ इंडिया के रिलीज के लिए जो राइट्स थे वो बिफोर इमोशन पिक्चर्स को दिए गए थे जिन्होंने एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई हुई थी ये फिल्म फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी के साथ रिलीज़ की गई थी जहाँ पे लोटस लो फाइव स्टार बोट डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स इन मलेशिया और सिंगापुर तो इस तरह से अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के तहत इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म ने टीज़र ट्रेलर ने कहीं बढ़िया रिकॉर्ड क्रिएट किए थे फिल्म का मार्केट में बस बढ़िया था जिसके चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया ओपनिंग ली हुई थी और उसी के चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने में कामयाब रही थी जहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पे पहले दिन करीबन पच्चीस करोड़ की ओपनिंग ली हुई थी उसके बाद में फिल्म जिस तरह से एक रिसेंट मिक्स रिस्पॉन्स मिला था तब फिल्म ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड जो ग्रोस कलेक्शन है तीन दिनों का वो करीबन एक सौ दस करोड़ का करके दिखाया हुआ था और ये कोविड के समय के बाद आने वाली पहली ऐसी फिल्म थी जिसने सौ करोड़ का मार्क हासिल किया हुआ था और तीन दिनों में करीबन पचास करोड़ का कलेक्शन तो तमिलनाडु से भी निकला हुआ था और इस फिल्म का जो फाइनल रन निकल के आया था वो करीबन एक सौ पैंतालीस करोड़ सिर्फ तमिलनाडु से था और ये दो हज़ार इक्कीस की तमिलनाडु की वन ऑफ़ द हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी साबित हुई थी और इंडिया की भी वन ऑफ़ द हाएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे तब अन्नाथा अनाथे फिल्म को भी इस फिल्म ने सरप्राइज उसके बाद इस फिल्म को सरप्राइज़ किया था अनाथे फिल्म ने रजनीकांत जी की फिल्म थी डेढ़ सौ करोड़ उस फिल्म ने कलेक्ट किए हुए थे इस फिल्म का जो पहले वीक का कलेक्शन था वो वर्ल्ड वाइड करीबन एक सौ चालीस करोड़ का था नौ दिनों में इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया धमाका मचा दिया था उसके बाद में डे बाय डे इस फिल्म को काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस मिला और उसी के चलते इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और बाद में इस फिल्म ने 135 करोड़ के बजट के सामने 250 से 300 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया उसके अलावा सैटेलाइट ओ टी टी को बेचते हुए फिल्म ने काफ़ी बढ़िया लेवल पर प्रॉफिट करके दिया हुआ था और मेकर्स ने तो इस फिल्म से काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफ़िट हासिल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के जो ओ और सेटेलाइट राइट्स है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म को बेचे गए थे जहाँ पर इस फिल्म के जो डिजिटल राइट्स है वो एमेज़न प्राइम वीडियो के पास करीबन बावन करोड़ में बेचे गए थे और इस फिल्म के सभी वर्ज़न को वहीं पे प्रीमियर करवाया हुआ था और इसके अलावा हिंदी वर्जन था उसके राइट्स जी फाइव को बेचे गए थे और इसी के साथ इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स वो तमिल तमिल लैंग्वेज के लिए और दूसरी साउथ इंडियन लैंग्वेज के लिए सन टी नेटवर्क को बेचे गए थे करीबन बत्तीस करोड़ में टीवी प्रीमियर सन टीवी के ऊपर तमिल लैंग्वेज में इस फिल्म को क्रिएट किया तमिल लैंग्वेज के साथ साथ दूसरी लैंग्वेज में प्रीमियर करवाया गया था मलयालम वर्जन को सूर्या टीवी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स से ओ नेटवर्क ने खरीदे हुए थे इस वजह से जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म को विजय दी मास्टर के नाम से प्रीमियर करवाया था वहीं पे जी फाइव के ऊपर इस फिल्म को विथिंगली सब टाइटल वि सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ था तो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म आपको तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम ये चार वर्जन में चार साउथ इंडियन लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट राइट्स है वो सन टीवी नेटवर्क के पास है तो ये सभी साउथ इंडियन लैंग्वेज में अलग अलग टेलीविजन चैनल जैसे कि सन टीवी वी या और साथ ही में सूर्या टीवी जैसी चैनल के ऊपर इस फिल्म को तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा वहीं पे इस फिल्म को आप वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो इसके अलावा हिंदी डब्ड वर्जन के राइड्स है वो जी नेटवर्क के पास है जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी में वैसे तो बिफोर इमोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उन्होंने जी नेटवर्क को इस फिल्म के ओ और सैटेलाइट राइट्स बेचे हुए थे जहाँ पे विजय दी मास्टर के नाम के साथ इस फिल्म को हिंदी वर्जन में जी सिनेमा के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था तो जी सिनेमा और जी सिनेमा आई चैनल के ऊपर ये फिल्म आपको विजय दी मास्टर नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म को ओ टी टी पे जी फाइव के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन को विजय दी मास्टर नाम के साथ हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से मास्टर या तो विजय दी मास्टर फिल्म आप तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो मास्टर जो दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहा पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में विजय दी मास्टर नाम से डब करवाया गया है वहीं पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो लोकेश कनक का था उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है वो लोकेश कनक ने खुद की हुई थी उसमें जो डायलॉग्स है वो लोकेश कनक राज रत्ना कुमार पवन पार्थिबन ने मिलकर लिखे हुए है वहीं पे हिंदी वर्जन के डायलॉग्स शिव गोपाल कृष्णा ने लिखे हुए है इसके अलावा इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन है वो लोकेश कनक ने खुद किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस सेवियर ब्रिटो ने और एस जेवर ब्रिटो ने इस फिल्म को काफ़ी बड़े बजट के साथ करीबन एक सौ पैंतीस करोड़ के बजट के साथ अपने प्रोडक्शन कंपनी यानी कि एक्स बी फिल्म क्रिएटर्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने जिन्होंने इस फिल्म को कोविड के टाइम पे काफ़ी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी जहाँ पर इस फिल्म को Uh, करीबन यूएस सर्टिफिकेट के साथ एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था उसके बावजूद फिल्म ने फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी होने के बावजूद काफ़ी धमाका मचाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विजय इसके अलावा विजय सेतु सेतुपति एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करें मेन एंटागोनिस्ट का साथ ही में मालविका मोहन है जो विजय के अपोजिट कास्ट की गई है के साथ शांतनु भाग्यराज

कुमार वहीं पे लिंटू रॉय दीनू लल्लू उद्याराज पुवैर श्रीमाव श्रीमन संजीव श्रीनाथ प्रेम कुमार नागेंद्र प्रसाद संगीता वी मास्टर भागवास और वसंती ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे कुछ ने इसमें से जो रोल प्ले किए हुए उनके रोल डिलीट हो चुके हैं जिसे कि सुरेखा वानी ने आदिक की माँ का रोल प्ले किया हुआ था उनका सीन ही फिल्म से हट चुका था वहीं पे कुछ ने सिर्फ गानों में केमीओ अपेन्स दिया हुआ है तो इतनी ये फिल्म की मेन कास्ट है जिन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी सत्यान सूर्या ने किए हुई है एडिटिंग फिलोमिन राज ने किए हुए है म्यूजिक दिया हुआ अनिरुद्ध रविचंदर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के गाने फिल्म का साउंड ट्रेक काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था जहां पे सभी वर्जन्स में यह साउंड ट्रैक कमाल कर गया था इस फिल्म के गानों को पांच लैंग्वेज में रिक्रिएट किया गया था सोनी म्यूजिक के पास इस फिल्म के सभी वर्जनस के राइट्स थे जिन्होंने काफ़ी बड़ी रकम दे इस फिल्म के गानों के राइट्स खरीदे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को 2019 में बिगिल के बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करवा दिया गया था जहाँ पे फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाद में करवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 120 दिनों के कॉल सीट के साथ बनाने का फैसला लिया गया था जहाँ पे इस फिल्म को बनाते समय बताया जा रहा था कि केती फिल्म के साथ शायद ये फिल्म कनेक्ट हो सकती है लेकिन बाद में पता चला कि मास्टर फिल्म अलग है केती के साथ जो फिल्म कनेक्ट करने वाले थे वो विक्रम थी इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग में काफ़ी सारे अलग अलग एक्टर्स को लिया गया था जहाँ पे इस फिल्म में अर्जुन है वो मेन इंटागोनिस का रोल प्ले करने वाले थे अर्जुन सरजा लेकिन बाद में ऑफिशियली जब अनाउंसमेंट हुई तब विजय सेतुपति को लिया गया था के आर आडवानी राशिक खाना रश्मिका मंदना को लीड रोल के लिए लिया जाने वाला था लेकिन उन सभी कंसिडरेशन के बीच में इस फिल्म का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया तब मालविका मोहनन को फिल्म का लीड रोल दिया गया था तो इस तरह से इस फिल्म की लीड कास्ट की कास्टिंग की गई थी बाद में तो अलग अलग एक्टर्स को कुछ अलग अलग काम के तहत इसमें लिया गया था और कुछ एक्टर्स ऐसे थे जो ऑलरेडी फिल्म के डायरेक्टर यानी कि लोकेश कनक राज के साथ उनकी पहले की फिल्मों में काम कर चुके थे और उसी वजह से वो इस फिल्म में भी देखने को मिले थे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म की पूजा सेरेमनी थी वो तीन अक्टूबर 2019 को स्टार्ट की गई थी जहां पे कास्ट और क्रू और जिस तरह से जितने भी मेंबर थे फिल्म के साथ जुड़े हुए वहीं पे उस इवेंट में प्रेजेंट थे चार अक्टूबर से इस फिल्म को एक ट्विटर हैंडल के थ्रू रत्ना कुमार ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के और क्रो राइटर के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हुए सा एक अनाउंसमेंट दिया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग अलग अलग शेड्यूल के तहत कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म का पहला शेड्यूल चेन्नई में रखा गया था जिसको पंद्रह दिनों में कम्प्लीट किया हुआ था दूसरा शेड्यूल था वो करीबन बीस दिनों का था जिसको दिल्ली में सेट किया हुआ था जिसको नवंबर 2019 में शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स नॉर्थ कैंपस में इस फिल्म को शूट किया गया था और इसके अलावा फिल्म को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर शूट किया गया था जहाँ पे शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में विजय सेतुपति और तलपते विजय के बीच में जो सीन फीचर्स हुए वहाँ पे शूट किया शूट किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म का डेली डेली शेड्यूल को भी कंप्लीट करवाया गया था जहाँ पे करीबन इस फिल्म को अलग अलग शेड्यूल के तहत कंप्लीट करवाया था और उसके बाद में इस फिल्म को फरवरी 2020 तक करीबन एक दिन वर्किंग डेज़ के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग में इतना लंबा समय लगा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को जब कुछ पोर्सन थे कुछ ऐसी चीज़ें थी उसको पेज वर्क के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था जिस वजह से फिल्म के एक दिन में थोड़े दिन और बड़े हुए थे उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया हुआ जहाँ पे मार्च 2020 तक तो कोविड 19 की वजह से काम रुक चुका था धीरे धीरे बाद में फिर से काम स्टार्ट किया गया रिज्यूम किया गया उसके बाद में जैसे थोड़ा बहुत मार्केट ओपन हुआ तब इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करवाया हुआ था तब 50 परसेंट ऑक्यूपेंसी थी कई जगह पे थिएटर क्लोज थे उसके बावजूद जिस तरह से फिल्म ने ओपनिंग ली हुई थी वो काफ़ी धमाकेदार थी जिस वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रन ले गई थी और लोगों को पसंद भी आई थी फिल्म अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो उससे पहले मैं आपको इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट साथ ही में इस फिल्म की कास्ट में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर करे उसके बारे में बता देता हूँ इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स सोनी म्यूज़िक इंडिया ने खरीदे हुए वहीं पे उन्होंने सभी वर्जन के राइट्स अच्छे खासे प्राइज़ में खरीदे हुए 2019-2020 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था जिसके म्यूज़िक की कंपोजिशन अनिरुद्ध रविचंदन ने की हुई गानों की और बैकग्राउंड स्कोर दोनों की पंद्रह मार्च दो तक सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे सोनी म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के गानों को अलग अलग स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाया गया था इस फिल्म में टोटल आठ गाने तमिल वर्जन में दूसरे सभी वर्जन है वहां तेलुगु कन्नडा मलयालम सभी वर्जन में पे तमिल वर्जन की ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है वाथी कमिंग जो बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था जिसके लिरिक्स गना बाला चंद्रन ने लिखे हुए थे सिंगर गना बाला चंद्रन और अनिरुद्ध रविचंद्र थे वहीं पे दूसरा गाना अंधा कन्ना पथकला जिसके लिरिक्स विग्नेश सीवान ने लिखे हुए थे और सिंगर थे युवान शंकर तीसरा गाना कुट्टी स्टोरी जिसके लिरिक्स लिखे थे अनुराज कामराज ने सिंगर थे विजय और अनिरुद्ध पांचवा गाना था बेस्ट ऑफ मास्टर इंस्ट्रूमेंटल जो कंपोज किया हुआ था अनिरुद्ध रविचंद्र ने पोला कुत्तू पारा पारा करके जो गाना था उसके लिरिक्स लिखे विष्णु इडावन ने और सिंगर थे संतोष नारायण छठा गाना सातवा गाना जो था पोना पोगत्थम जिसके लिरिक्स लिखे हुए विष्णु इडावन ने और सिंगर थे सीबी विनीत बी आठवां गाना वाथी रेड जिसके लिरिक्स लिखे हुए अरिव ने और सिंगर थे आरिव और अनिरुद्ध रविचंदर तो इस तरह से टोटल आज गाने थे जिसको कंपोज किया था अनिरुद्ध रविचंदर ने जिसको फिलहाल में आप यूट्यूब पे सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अलग अलग लैंग्वेज में सुन सकते हो जहाँ पे हिंदी वर्जन की ट्रैक लिस्टिंग करे तो पहला गाना है मास्टर कमिंग दूसरा गाना है वो मुस्कुराट आंखों का तीसरा गाना है छोटी स्टोरी चौथा गाना है कैद करना पांचवा गाना है बेस्ट ऑफ मास्टर इंस्ट्रूमेंटल छठा गाना है ढोलतास बजा बजा सातवां गाना है रोशनी से भर उठा और आठवां गाना है मास्टर रेड तो इस तरह से इतने गाने वो आपको हिंदी वर्जन में भी सुनने को मोल मिलेंगे सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तो इस तरह से इन गानों को यूट्यूब पे फ्री में ऑफिशियली आप इंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो इस फिल्म में काफ़ी बड़ी कास्ट है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रोल बता देता हूँ विजय ने जेडी डी दूरारा राज यानी कि जॉन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक अल्कोहलिक कॉलेज प्रोफेसर है जो अपने फ्रेंड्स और साथी में स्टूडेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इसके अलावा विजय तेतुपति तो भवानी के रोल में दिखाई देंगे जो एक नोटोरियस गैंगस्टर है जो एक रूथलेस एक काम करता हुआ नजर आ रहा है क्रिमिनल एक्टिविटीज वो भी जेल के अंदर करता हुआ नजर आ रहा है वहीं पर उनका यंगर वर्जन है वो महेंद्रन ने प्ले किया हुआ यंग भवानी का और मालविका मोहन लता चारू प्रसाद के रोल में दिखाई देंगे शांतनु भाग्यराज ने भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है एंड्रिया जेरेमिया को वाति का रोल वनाती का रोल दिया गया है जो जेडी की फ्रेंड है और आरकरी एक्सपर्ट है वहीं पर अर्जुन दास देखने को मिलेंगे दास के रोल में गौरी जी किशन को सविता का रोल दिया गया था नजर ने कॉलेज फाउंडर का रोल प्ले किया हुआ था अलागर पेलोमल ने कॉलेज प्रिंसिपल का रोल प्ले किया गया था इस तरह से इतने आर्टिस्ट थे जो कुछ इंपोर्टेंट किरदार अलग अलग प्ले करते हुए नजर आए थे अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी में चेरी यानी कि थल विजय एक अल्कोहलिक प्रोफेसर बताया हुआ है जो कॉलेज के जो हेड से उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा हेट करते आ रहे हैं उनको और इसके अलावा वो कोई भी रोल फॉलो नहीं करता है और वो पर स्टूडेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है उनके हक के लिए काफ़ी ज़्यादा बात करता हुआ नजर आ रहा है लेकिन कुछ एक ऐसा बड़ा इश्यू होता है जिसकी वजह से उसको करेक्शन सेंटर भेज दिया जाता है कुछ यंग क्रिमिनल बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए दूसरी तरफ करेक्श करेक्शन जो सेंटर है वो मैनेज करता है भवानी यानी कि विजय सेतुपति जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इनलीगल एक्टिविटी करता हुआ नजर आ रहा है जो पुलिस वहाँ पे तैनात है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है और वो बच्चों को लेकर कुछ क्रिमिनल uh, एक्टिविटी का तोा नजर आ रहा है तो अब किस तरह से जे को इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जब ये सभी चीज़ें पता चलेगी तो जे किस तरह से भवानी के सामने खड़ा रहता है वो एक ट्रेंडेड गे, ट्रेडेड गैंगस्टर है तो उसके सामने कैसा खड़ा रहता है किस तरह से उन सभी चीज़ों को शॉर्ट आउट करेगा और भवानी को किस तरह से वो ख़त्म करता है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है जहाँ पे फिल्म का जो सेटअप किया गया था वो काफ़ी बढ़िया था स्टोरी आइडिया अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे विजय के किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ था वो काफ़ी अच्छे खासे स्कोप के साथ क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे एक अच्छा खासा स्कोप क्रिएट किया था मास मिन सीन के लिए जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सेट किया हुआ है थल विजय इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया हैंडसम नजर आ रहे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी उनका डांस परफॉर्मेंस जिस तरह से वो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी शानदार है इसके अलावा दूसरी तरफ एक और बड़े एक्टर आपको विलन के रोल में दिखाई देंगे यानी कि विजय सेतुपति उनका रोल भी डायरेक्टर ने उसी लेवल पे उसी कदर के साथ लिखा हुआ है जहाँ पे एक उनको एक लोकल लुक दिया गया था जिसको उन्होंने काफ़ी सुपर में वे मैनर में हैंडल किया हुआ है उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इंप्रेसिव है उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी टॉप क्लास देखने को मिलती है उनके जितने भी सीन क्रिएट हुए वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नजर आते हैं जो आपको आसानी से स्क्रीन पर अट्रैक्ट करने के लिए जाने जाएंगे जहाँ पे उनकी डायलॉग डिलीवरी जो जिस तरह से वो डिलीवर करते जिस तरह से उनका एक फेशियल एक्सप्रेशन रहता है जिस तरह से वो पूरी तरह से वो कैरेक्टर हैंडल करते वो आपको प्रॉपर वे में एंजॉयमेंट देने वाले हैं मालविका मोहनन को एक सिंपल नीट रोल दिया गया था जहाँ पे वो काफी बढ़िया रोल तरीके से इस रोल को निभा रही थी फिल्म का जो एक टर्निंग पॉइंट होता है वो की रोल उनके पास था जहाँ पे उन्होंने काफी बढ़िया काम किया हुआ है फाइट सीन जहाँ पे दोनों लीड एक्टर्स के बीच में यानी कि विजय विजय सेतुपति के बीच में जिस तरह से क्रिएट की हुई है वो अमेजिंग है वहाँ पे कैमरा वर्क आर्ट डायरेक्शन जिस तरह से वो फाइट मास्टर ने सभी चीजों को कंपोज किया हुआ था जिस तरह से कोरियोग्राफी सेट की हुई थी एक्शन की वो बढ़िया थी कबड्डी सीन जिस तरह से विजय के साथ क्रिएट किया हुआ था फिल्म का इंटरवल बिंग जहाँ पे फोन कन्वर्जेशन सुनने को मिलती है विजय का जो इंट्रो दिखाया हुआ है फिल्म में इसके अलावा अनिर अनिरुद्ध रविचंद्र का जो बीजीएम जी एम्स को मिलता है वो सभी चीज़ें फिल्म की वन ऑफ़ दी हाईलाइट पॉइंट में शामिल होती है फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो हीरो विलन के बीच में जो सीन दिखाए हुए वो काफ़ी ज़्यादा कम थे उसको और बेहतर वे में फर्स्ट और सेकंड साफ सेकंड हाफ़ में ऐड किया जा सकता था करंट कंट्रंट्रेशन वाले सीन जितने बेहतर होते कि जितने ज़्यादा होते जितने अच्छे खासे तरीके से एग्जीक्यूट किए होते वो फिल्म को और बेहतर बना सकता था थलपते विजय और विजय सेतुपति सिर्फ फिल्म के क्लाइमेक्स में मिलते हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हैंडल किया है लेकिन वो सभी चीज़ें पहले ही ऐड कर देते तो फिल्म और बेहतर वे में हमारे सामने निखर के आ सकती थी इसके अलावा उन दोनों के जितने भी इंडिविजुअल सीन क्रिएट हुए जहाँ पे जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई हुई वो सभी चीज़ें स्टोरी के हिसाब से सिंपल जा रही थी वहाँ पर प्रॉपर वे में कई चीज़ों को तो एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ है करेक्शन सेंटर इस फिल्म का विलन है वो जिस तरह से ओवरटेकन कर लेता है वो किस तरह से करता है वो सभी चीज़ें नहीं बताई हुई है इसके अलावा फिल्म को करीबन 20-25 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था क्योंकि ऐसे कुछ सीन्स थे जिसको हटा देते तो फिल्म की कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था लोकेश कनक ने जिस तरह से क्राइम ड्रामा को शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी ग्रेटी मैनर में उन्होंने दिखाया हुआ था स्टार वैल्यू को भी काफ़ी ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ों को उन्होंने नेरेट किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने जो कहानी दिखाई है वो जरूर थोड़ी प्रिडिक्टेबल नजर आएगी लेकिन जिस तरह से स्टार वैल्यू को जस्टिफाई किया हुआ है थ्रिलिंग मोमेंट को जिस तरह से कहानी का आइडिया था वो सभी चीज़ें उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल की हुई है फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो टॉप नॉच प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिलती है अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है फिल्म में जो फिल्म की हर एक फ्रेम में नजर आता है फिल्म का आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था फिल्म के सभी एक्टर को जो स्टाइलाइज किया हुआ था वो अच्छा था लाइटिंग इफेक्ट बढ़िया थी कलर ग्रेडिंग कलर टोन अच्छा था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट थी फिल्म को और छोटा किया जा सकता था कैमरा वर्क फिल्म का काफ़ी शानदार था जेल का सेटअप जो शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी रियलिस्टिक मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा हिंदी डबिंग के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के लिरिक्स से वो डिसेंट वे में लिखे हुए थे प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म के अच्छी तरह से देखने को मिलती है कॉलेज का सेटअप म्यूजिक काफ़ी टॉप क्लास टॉप क्लास का सुनने को मिलता है सॉन्ग्स बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अव्वल दर्जे के थे जो फिल्म को अच्छी खासी तरीके से हेल्प कर रहा था इस फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनक राज ने काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म को हैंडल किया हुआ है जहाँ पे फिल्म के कुछ इमोशंस आपको कनेक्ट करेंगे वहीं पे कुछ इमोशनल सीन्स आपको थोड़े वीक नज़र आ सकते हैं इस फिल्म में विजय का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है जिस तरह से एक्शन सिक्वेंस से जो स्टोरी का आइडिया था जो एक मैसेज था उसको बढ़िया तरीके से उन्होंने डिलीवर किया हुआ है हालांकि दोनों लीड एक्टर मेन प्रोटोकॉनिस और मेन के बीच में अगर थोड़े और कंफ्रंटेशन वाले सीन क्लाइमेक्स के पहले डाल देते तो और बेहतर रहता ओवरऑल एक अच्छी खासी एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जिसे जरूर देखा जा सकता है जहाँ पे इस फिल्म में आपको थल पते विजय और विजय सेतुपति दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बो देखने को मिलता है हीरो विलन का जो एक टग ऑफ वॉर देखने को मिलता है वो आपको जरूर पसंद आएगा फिल्म की कहानी पसंद आएगी उसके ट्रीटमेंट पसंद आएगी स्टोरी वाइज ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी थोड़ी लेंथी लग सकती है अदरवाइज अगर उस चीज़ को इग्नोर करते हो तो फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है काफी सारी चीज़ें जो जरूर पसंद आ सकती है जिस वजह से इस फिल्म को जरूर देखा जा सकता है अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो मास्टर को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया गया था वैसे तो पहले जब फिल्म को अनाउंस किया गया था तब ये फिल्म सिर्फ तेलुगु वर्जन सॉरी सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज़ होने वाली थी उसके बाद में तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन को ऐड किया गया था लेकिन जब फाइनली रिलीज़ किया गया तब मास्टर फिल्म को तेलुगु कन्नडा हिंदी डब्ड वर्जन के साथ तमिल मेन लैंग्वेज में, में रिलीज़ किया गया था टोटल चार लैंग्वेजेज़ में जहाँ पे इस फिल्म के मलयालम वर्ज़न को करीबन काफ़ी लंबे समय के बाद ओ टी टी पे डायरेक्ट प्रीमियर करवाया हुआ था यानी कि इस फिल्म को डब्ड वर्ज़न को लेट रिलीज़ करवाया गया था तो इस तरह से टोटल पाँच लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे फिल्म का बजट एक करोड़ था और यू सर्टिफिकेट के साथ तेरह जनवरी दो को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे हिंदी वर्जन में इस फिल्म को विजय दी मास्टर नाम दिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी रिमेक राइट्स भी बेचे गए लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं मिली है अदरवाइज़ इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है विजय दी मास्टर उसको बिफोर इमोशन पिक्चर्स वालों ने डॉप्ट करके रिलीज़ करवाया हुआ था वही इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर थे वहीं पे स्क्रीन स्टूडियो ने इस फिल्म को तमिल वर्जन में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को आई पे करीबन चौहत्तर हजार वोट मिले हुए थे जिसमें की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था ज्यादातर क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था वहीं पर ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी राइट्स के ऊपर तो फिल्म को तो काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था जहाँ पे फिल्म के डबिंग राइट्स ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स सैटेलाइट राइट्स म्यूजिक राइट्स डिजिटल राइट्स सभी राइट्स को मिलाकर करीबन 200 करोड़ में इस फिल्म को बचा गया बेचा गया था प्री रिलीज बिजनेस 200 करोड़ का था वो कोविड नाइन्टीन में ऐसा करने वाली एक पहली फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का थिएट्रिकल जो प्री रिलीज बिजनेस है वो करीबन एक करोड़ तीस लाख का सुनने में आया था जहाँ पे मास्टर फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था एस, एस ललित कुमार ने सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को तमिलनाडु में काफ़ी बढ़िया लेवल पे रिलीज किया हुआ था वहीं पे मलयालम वर्जन केरला में इस फिल्म को पृथ्वीराज सुकुमार ने पृथ्वीराज प्रोडक्शन के नीचे अपने बैनर के नीचे रिलीज करवाया हुआ था इस तरह से धीरज इंटरप्राइज एंटर्प्रा, और महेश कोनेरू ने मिलकर यानी कि ईस्ट कोस्ट प्रोडक्शन ने मिलकर इस फिल्म के कर्नाटक के लिए डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे हुए थे और आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के लिए और वहाँ पे इस फिल्म को रिलीज किया गया था उनके तहत वहाँ पे भी बढ़िया स्क्रीनिंग मिली हुई थी यू यूनाइटेड इंडिया एक्सपोर्ट्स और मालिक स्ट्रीम्स ने इस फिल्म को और ओवरसीज के राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पर हिंदी वर्जन और नॉर्थ इंडिया की रिलीज के लिए जो राइट्स थे वो भी फॉरी इमोशन पिक्चर्स को दिए गए थे जिन्होंने एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई हुई थी ये फिल्म फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी के साथ रिलीज़ की गई थी जहाँ पे लोट लोटस फाइव स्टार बोटर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स इन मलेशिया और सिंगापुर तो इस तरह से अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के तहत इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म ने टीज़र ट्रेलर ने कहीं बढ़िया रिकॉर्ड क्रिएट किए थे फिल्म का मार्केट में बस बढ़िया था जिसके चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया ओपनिंग ली हुई थी और उसी के चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने में कामयाब रही थी जहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पहले दिन करीबन 25 करोड़ की ओपनिंग ली हुई थी उसके बाद में फिल्म जिस तरह से एक डिसेंट मिक्स रिस्पॉन्स मिला था तब फिल्म ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड जो ग्रोस कलेक्शन है तीन दिनों का वो करीबन एक करोड़ का करके दिखाया हुआ था और ये कोविड के समय के बाद आने वाली पहली ऐसी फिल्म थी जिसने सौ करोड़ का मार्क हासिल किया हुआ था और तीन दिनों में करीबन पचास करोड़ का कलेक्शन तो तमिलनाडु से भी निकला हुआ था और इस फिल्म का जो फाइनल रन निकल के आया था वो करीबन एक करोड़ सिर्फ तमिलनाडु से था और ये 2021 की तमिलनाडु की वन ऑफ़ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी साबित हुई थी और इंडिया की भी वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे तब अन्नाथा अनाथे फिल्म को भी इस फिल्म ने सरप्रा उसके बाद इस फिल्म को सरप्राइज किया था अनाथे फिल्म ने रजनीकांत जी की फिल्म थी डेढ़ सौ करोड़ उस फिल्म ने कलेक्ट किए हुए थे इस फिल्म का जो पहले वीक का कलेक्शन था वो वर्ल्ड वाइड करीबन एक सौ चालीस करोड़ का था नौ दिनों में इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया धमाका मचा दिया था उसके बाद में डे बाय डे इस फिल्म को काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस मिला और उसी के चलते इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और बाद में इस फिल्म ने 135 करोड़ के बजट के सामने 250 से 300 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया उसके अलावा सैटेलाइट ओटीटी राइट्स को बेचते हुए फिल्म ने काफ़ी बढ़िया लेवल पर प्रॉफिट करके दिया हुआ था और मेकर्स ने तो इस फिल्म से काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के जो ओ और सेटेलाइट राइट्स है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म को बेचे गए थे जहाँ पे इस फिल्म के जो डिजिटल राइट्स है वो अमेज़न प्राइम वीडियो के पास करीबन बावन करोड़ में बेचे गए थे और इस फिल्म के सभी वर्जन को वहीं पे प्रीमियर करवाया हुआ था और इसके अलावा हिंदी वर्जन था उसके राइट्स जी फाइव एफ को बेचे गए थे और इसी के साथ इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स है वो तमिल ने तमिल लैंग्वेज के लिए और दूसरी साउथ इंडियन लैंग्वेज के लिए सन टी नेटवर्क को बेचे गए थे करीबन बत्तीस करोड़ में टी वी प्रीमियर सन टी के ऊपर तमिल लैंग्वेज में इस फिल्म को क्रिएट किया तमिल लैंग्वेज के साथ साथ दूसरी लैंग्वेज में प्रीमियर करवाया गया था मलयालम वर्जन को सूर्या टीवी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स से वो सी नेटवर्क ने खरीदे हुए थे इस वजह से इसी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म को विजय दी मास्टर के नाम से प्रीमियर करवाया था वहीं पे जी फाइव के ऊपर इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन अवेलेबल किया हुआ था तो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म आपको तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम ये चार वर्जनस में चार साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट राइट्स है वो सन टीवी नेटवर्क के पास है तो ये सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में अलग अलग टेलीविज़न चैनल जैसे कि सन टीवी वी या और साथ ही में सूर्या टीवी जैसी चैनल के ऊपर इस फिल्म को तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा वहीं पे इस फिल्म को आप वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो इसके अलावा हिंदी डब्ड वर्जन के राइड्स है वो जी नेटवर्क के पास है जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी में वैसे तो बिफोर इमोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उन्होंने जी नेटवर्क को इस फिल्म के ओ टी टी और सेटेलाइट राइट्स से बेचे हुए थे जहाँ पे विजय दी मास्टर के नाम के साथ इस फिल्म को हिंदी वर्जन में जी सिनेमा के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था तो जी सिनेमा और जी सिनेमा आई डी चैनल के ऊपर ये फिल्म आपको विजय दी मास्टर नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म को आप टाइटल किया हुआ है तो इस तरह से मास्टर या तो विजय दी मास्टर फिल्म आप तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी में चेरी यानी कि थल विजय एक एल्कोहलिक प्रोफेसर बताया हुआ है जो कॉलेज के जो हेड्स से उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा हेट करते आ रहे हैं उनको और इसके अलावा वो कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है और वो पर स्टूडेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है उनके हक़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बात करता हुआ नज़र आ रहा है लेकिन कुछ एक ऐसा बड़ा इश्यू होता है जिसकी वजह से उसको करेक्शन सेंटर भेज दिया जाता है कुछ यंग क्रिमिनल बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए दूसरी तरफ करेक्शन करेक्शन जो सेंटर है वो मैनेज करता है भवानी यानी कि विजय सेतुपति जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इनलीगल एक्टिविटी करता हुआ नजर आ रहा है जो पुलिस वहाँ पे तैनात है वो उसका का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है और वो बच्चों को लेकर कुछ क्रिमिनल uh, एक्टिविटी का तोा नजर आ रहा है तो अब किस तरह से जे को इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जब ये सभी चीज़ें पता चलेगी तो जे किस तरह से भवानी के सामने खड़ा रहता है वो एक ट्रेंडेड ट्रेडेड गे, गैंगस्टर है तो उसके सामने कैसा खड़ा रहता है किस तरह से उन सभी चीज़ों को शॉर्ट आउट करेगा और भवानी को किस तरह से वो ख़त्म करता है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है जहाँ पे फिल्म का जो सेटअप किया गया था वो काफ़ी बढ़िया था स्टोरी आईडी अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे विजय के किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ था काफ़ी अच्छे खासे स्कोप के साथ क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे एक अच्छा खासा स्कोप क्रिएट किया था मास मिन सीन के लिए जिसको काफी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सेट किया हुआ है तलपते विजय इस फिल्म में काफी बढ़िया हैंडसम नजर आ रहे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी उनका डांस परफॉर्मेंस जिस तरह से वो सभी चीजें देखने को मिलती है वो काफ़ी शानदार है इसके अलावा दूसरी तरफ एक और बड़े एक्टर आपको विलन के रोल में दिखाई देंगे यानी कि विजय सेतुपति उनका रोल भी डायरेक्टर ने उसी लेवल पे उसी कदर के साथ लिखा हुआ है जहाँ पे एक उनको एक लोकल लुक दिया गया था जिसको उन्होंने काफ़ी सुपर मैनर में हैंडल किया हुआ है उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इंप्रेसिव है उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी टॉप क्लास देखने को मिलती है उनके जितने भी सीन क्रिएट हुए वहाँ पे वो काफ़ी ज्यादा इम्प्रेसिव नजर आते हैं जो आपको आसानी से स्क्रीन पे अट्रैक्ट करने के लिए जाने जाएंगे जहाँ पे उनकी डायलॉग डिलीवरी जो जिस तरह से वो डिलीवर करते हैं जिस तरह से उनका एक फेशियल एक्सप्रेशन रहता है जिस तरह से वो पूरी तरह से वो कैरेक्टर हैंडल करते है वो आपको प्रॉपर वे में इंजॉयमेंट देने वाले हैं मालविका मोहनन को एक सिंपल नीट रोल दिया गया था जहाँ पे वो काफी बढ़िया तरीके से उस रोल को निभा रही थी फिल्म का जो एक टर्निंग पॉइंट होता है वो की रोल उनके पास था जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है क्लाइमेक्स फाइट सीन जहाँ पे दोनों लीड एक्टर्स के बीच में यानी कि विजय विजय सेतुपति के बीच में जिस तरह से क्रिएट की हुई है वो अमेजिंग है वहाँ पे कैमरा वर्क आर्ट डायरेक्शन जिस तरह से वो फाइट मास्टर ने सभी चीज़ों को कंपोज किया हुआ था जिस तरह से कोरियोग्राफी सेट की हुई थी एक्शन की वो बढ़िया थी कबड्डी सीन जिस तरह से विजय के साथ क्रिएट किया हुआ था फिल्म का इंटरवल बैंक जहाँ पे फोन कन्वर्जेशन सुनने को मिलती है विजय का जो इंट्रो दिखाया हुआ है फिल्म में इसके अलावा अनिर अनिरुद्ध रविचंद्र का जो बीजीएम सुनने को मिलता है वो सभी चीज़ें फिल्म की वन ऑफ दी हाईलाइट पॉइंट में शामिल होती है फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो हीरो विलन के बीच में जो सीन दिखाए हुए वो काफ़ी ज़्यादा कम थे उसको और बेहतर वे में फर्स्ट और सेकंड हाफ सेकंड हाफ़ में ऐड किया जा सकता था करंट क्रंटफ्रेशन वाले सीन जितने बेहतर होते कि जितने ज़्यादा होते जितने अच्छे खासे तरीके से एग्जीक्यूट किए होते वो फिल्म को और बेहतर बना सकता था थल विजय और विजय सेतुपति सिर्फ फिल्म के क्लाइमेक्स में मिलते हैं वहाँ पर काफी अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हैंडल किया है लेकिन वो सभी चीज़ें पहले ही ऐड कर देते तो फिल्म और बेहतर वे में हमारे सामने निखर के आ सकती थी इसके अलावा उन दोनों के जितने भी इंडिविजुअल सीन क्रिएट हुए जहाँ पे जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई हुई है वो सभी चीज़ें स्टोरी के हिसाब से सिंपल जा रही थी वहाँ पे प्रॉपर वे में कई चीज़ों को तो एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ है करेक्शन सेंटर इस फिल्म का विलन है वो जिस तरह से ओवरटेकन कर लेता है वो किस तरह से करता है वो सभी चीज़ें नहीं बताई हुई है इसके अलावा फिल्म को करीबन बीस पच्चीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था क्योंकि ऐसे कुछ सीन्स थे जिसको हटा देते तो फिल्म की कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था मास्टर जो 2021 हजार की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में विजय दी मास्टर नाम से डब करवाया गया है वहीं पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो लोकेश कनक का था उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है वो लोकेश कनक ने खुद की हुई थी उसमें जो डायलॉग्स है वो लोकेश कनक राज रत्ना कुमार पवन पार्थिबन ने मिलकर लिखे हुए है वहीं पे हिंदी वर्जन के डायलॉग्स शिव गोपाल कृष्णा ने लिखे हुए है इसके अलावा इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले और डरेक्शन है वो लोकेश कनक ने खुद किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस सेवियर ब्रिटो ने और एस सेवियर ब्रिटो ने इस फिल्म को काफ़ी बड़े बजट के साथ करीबन 135 करोड़ के बजट के साथ अपने प्रोडक्शन कंपनी यानी कि एक्स बी फिल्म क्रिएटर्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने जिन्होंने इस फिल्म को कोविड के टाइम पे काफ़ी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को करीबन यू सर्टिफिकेट के साथ एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था उसके बावजूद फिल्म ने 50 परसेंट ऑक्यूपेंसी होने के बावजूद काफ़ी धमाका मचाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विजय इसके अलावा विजय सेतुपति एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करे मेन एंटागोनिस्ट का साथ ही में मालविका मोहन है जो विजय के अपोजिट कास्ट की गई है उसी के साथ सांतनु भाग्यराज एंड्रिया जेरिमिया अर्जुनदास जी किशन नजर अलागम पेरुमल सी पी भुवन चंद्रन कलपुल्ली लीला रम्या सुब्रमण्यम राजेश महानंदी शंकर प्रवीण अरुण एलेक्जेंडर राजा रानी पांड्यन साइदीना रमेश तिलक चेतन मैथ्यू वर्गीस सुधा शंकर अजित कौशी राहुल कन्न सुनील रेड्डी कल्याणी नटराजन मोना वैशालिनी सुरेखा वानी सौंदर राजन बालानंद कुमार वहीं पे लिंटू रॉय धीनू लल्लू उदयराज पुवैर श्रीमाव श्रीमन संजीव श्रीनाथ प्रेम कुमार नागेंद्र प्रसाद संगीता वी मास्टर भागवास और वसंत ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे कुछ ने इसमें से जो रोल प्ले किए हुए उनके रोल डिलीट हो चुके हैं जिसे कि सूर्खा वानी ने आदिक की मां का रोल प्ले किया हुआ था उनका सीन ही फिल्म से हट चुका था वहीं पे कुछ ने सिर्फ गानों में कैम्यपेयरेंस दिया हुआ है तो इतनी ये फिल्म की मेन कास्ट है जिन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी सत्यान सूर्या ने की हुई है एडिटिंग फिलोमिन राज ने किए हुए है म्यूजिक दिया हुआ है अनिरुद्ध रविचंदर ने, ने। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के गाने फिल्म का साउंड ट्रेक काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था जहाँ पे सभी वर्जन्स में यह साउंड ट्रैक कमाल कर गया था इस फिल्म के गानों को पांच लैंग्वेज में रिक्रिएट किया गया था सोनी म्यूजिक के पास इस फिल्म के सभी वर्जन्स के राइट्स थे जिन्होंने काफ़ी बड़ी रकम दे इस फिल्म के गानों के राइट्स खरीदे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को 2019 में बिगिल के बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करवा दिया गया था जहाँ पे फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाद में करवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 120 दिनों के कॉल सीट के साथ बनाने का फैसला लिया गया था जहाँ पे इस फिल्म को बनाते समय बताया जा रहा था कि केती फिल्म के साथ शायद ये फिल्म कनेक्ट हो सकती है लेकिन बाद में पता चला कि मास्टर फिल्म अलग है केती के साथ जो फिल्म कनेक्ट करने वाले थे वो विक्रम थी इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग में काफ़ी सारे अलग अलग एक्टर्स को लिया गया था जहाँ पे इस फिल्म में अर्जुन है वो मेन इंटागोनिस का रोल प्ले करने वाले थे अर्जुन सरजा लेकिन बाद में ऑफिशियली जब अनाउंसमेंट हुई तब विजय सेतुपति को लिया गया था कि आर आडवाणी राशिक खन्ना रश्मिका मंदना को लीड रोल के लिए लिया जाने वाला था लेकिन उन सभी कंसिडरेशन के बीच में इस फिल्म का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया तब मालविका मोहनन को फिल्म का लीड रोल दिया गया था तो इस तरह से इस फिल्म की लीड कास्ट की कास्टिंग की गई थी बाद में तो अलग अलग एक्टर्स को कुछ अलग अलग काम के तहत इसमें लिया गया था और कुछ एक्टर्स ऐसे थे जो ऑलरेडी फिल्म के डायरेक्टर यानी कि लोकेश कनक राज के साथ उनकी पहले की फिल्मों में काम कर चुके थे और उसी वजह से वो इस फिल्म में भी देखने को मिले थे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म की पूजा सेरेमनी थी वो तीन अक्टूबर 2019 को स्टार्ट की गई थी जहां पे कास्ट और क्रू और जिस तरह से जितने भी मेंबर थे फिल्म के साथ जुड़े हुए वहीं पे उस इवेंट में प्रेजेंट थे चार अक्टूबर से इस फिल्म को एक ट्विटर हैंडल के थ्रू रत्ना कुमार ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के और क्रो राइटर के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए वैसा एक अनाउंसमेंट दिया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग अलग अलग शेड्यूल के तहत कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म का पहला शेड्यूल चेन्नई में रखा गया था जिसको पंद्रह दिनों में कम्प्लीट किया हुआ था दूसरा शेड्यूल था वो करीबन बीस दिनों का था जिसको दिल्ली में सेट किया हुआ था जिसको नवंबर 2019 में शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स नॉर्थ कैंपस में इस फिल्म को शूट किया गया था और इसके अलावा फिल्म को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर शूट किया गया था जहाँ पे सिमोंगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में विजय सेतुपति और तलपते विजय के बीच में जो सीन फीचर्स हुए वहाँ पे शीट किया शूट किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म का डेली डेली शेड्यूल को भी कंप्लीट करवाया गया था जहाँ पे करीबन इस फिल्म को अलग अलग शेड्यूल के तहत कंप्लीट करवाया था और उसके बाद में इस फिल्म को फरवरी 2020 तक करीबन एक दिन वर्किंग डेज के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था तो इस तरह से फिल्म की शूटिंग में इतना लंबा समय लगा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को जब कुछ पोर्शन थे कुछ ऐसी चीज़ें थी उसको पेज वर्क के साथ कंप्लीट करवाया जिस वजह से फिल्म के एक दिन में थोड़े दिन और बड़े हुए थे उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया हुआ जहाँ पे मार्च 2020 तक तो कोविड 19 की वजह से काम रुक चुका था धीरे धीरे बाद में फिर से काम स्टार्ट किया गया रिज्यूम किया गया उसके बाद में जैसे थोड़ा बहुत मार्केट ओपन हुआ तब इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करवाया हुआ था तब फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी थी कई जगह पे थिएटर क्लोज थे उसके बावजूद जिस तरह से फिल्म ने ओपनिंग ली हुई थी वो काफ़ी धमाकेदार थी जिस वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रन ले गई थी और लोगों को पसंद भी आई थी फिल्म अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो उससे पहले मैं आपको इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट साथ ही में इस फिल्म की स्टार कास्ट में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर कराए उसके बारे में बता देता हूँ इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट सोनी म्यूज़िक इंडिया ने ख़रीदे हुए वहीं पे उन्होंने सभी वर्जन के राइट्स अच्छे खासी प्राइज में खरीदे हुए 2019-2020 में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था जिसके म्यूज़िक की कंपोजिशन अनिरुद्ध रविचंदन ने की हुई गानों की और बैकग्राउंड स्कोर दोनों की पंद्रह मार्च दो तक सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे सोनी म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के गानों को अलग अलग स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाया गया था इस फिल्म में टोटल आठ गाने तमिल वर्जन में दूसरे सभी वर्जन है वहाँ पे भी आठ आठ गाने सुनने को मिलेंगे हिंदी तेलुगु कन्नडा मलयालम सभी वर्जन में जहाँ पे तमिल वर्जन की ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है वाथी कमिंग जो बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था जिसके लिरिक्स गना बाला चंद्रन ने लिखे हुए थे सिंगर गना बाला चंद्रन और अनिरुद्ध रविचंद्र थे वहीं पे दूसरा गाना अंधाकन्ना पत्थकल्ला जिसके लिरिक्स विघ्न सीवान ने लिखे हुए थे और सिंगर थे युवान शंकर तीसरा गाना कुट्टी स्टोरी जिसके लिरिक्स लिखे थे अनुराज कामराज ने सिंगर विजय और अनिरुद्ध पांचवा गाना था बेस्ट ऑफ मास्टर इंस्ट्रूमेंटल जो कंपोज किया हुआ था अनिरुद्ध रविचंद्र ने पोला कुत्तो पारा पारा करके जो गाना था उसके लिरिक्स लिखे विष्णु इडोवन ने और सिंगर थे संतोष नारायण छठा गाना सातवा गाना जो था पोना पोगत्थम जिसके लिरिक्स लिखे हुए विष्णु इडावन ने और सिंगर थे सी बी बी आठवा गाना वाथी रेड जिसके लिरिक्स लिखे हुए अरिबू ने और सिंगर थे आरिवू और अनिरुद्ध रविचंदर तो इस तरह से टोटल आज गाने थे जिसको कंपोज किया था अनिरुद्ध रविचंदर ने जिसको फिलहाल में आप यूट्यूब पे सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अलग अलग लैंग्वेज में सुन सकते हो जहाँ पे हिंदी वर्जन की ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है मास्टर कमिंग दूसरा गाना है वो मुस्कुराट आखों का तीसरा गाना है छोटी स्टोरी चौथा गाना है कैद करना पांचवा गाना है बेस्ट ऑफ मास्टर इंस्ट्रूमेंटल छठा गाना है ढोलतास बजा बजा सातवा गाना है रोशनी से भर उठा और आठवा गाना है मास्टर रेड तो इस तरह से इतने गाने वो आपको हिंदी वर्जन में भी सुनने को मो मिलेंगे सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तो इस तरह से इन गानों को यूट्यूब पे फ्री में ऑफिशियली आप इंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो इस फिल्म में काफ़ी बड़ी कास्ट है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रोल बता देता हूँ विजय ने जे डी दुरारई राज यानी कि जॉन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक अल्कोहलिक कॉलेज प्रोफेसर है जो अपने फ्रेंड्स और साथी में स्टूडेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इसके अलावा विजय सेतुपति तो भवानी के रोल में दिखाई देंगे जो एक नोटोरियस गैंगस्टर है जो एक रूथलेस काम करता का हुआ नजर आ रहा है क्रिमिनल एक्टिविटीज वो भी जेल के अंदर करता हुआ नज़र आ रहा है वहीं पे उनका यंगर वर्जन है वो महेंद्रन ने प्ले किया हुआ यंग भवानी का और मालविका मोहन चारूलता चारू प्रसाद के रोल में दिखाई देंगे शांतनुभाग्य भाग्यराज ने भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है एंड्रिया जेरेमिया को वाति का रोल वनाती का रोल दिया गया है जो जेडी की फ्रेंड है और आरकरी एक्सपर्ट है वहीं पे अर्जुन दास देखने को मिलेंगे दास के रोल में गोरी जी किशन को सविता का रोल दिया गया था नजर ने कॉलेज फाउंडर का रोल प्ले किया हुआ था अलागर ने कॉलेज प्रिंसिपल का रोल प्ले किया गया था इस तरह से इतने आर्टिस्ट थे जो कुछ इंपॉर्टेंट किरदार अलग अलग प्ले करते हुए नजर आए थे अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी में चेरी यानी कि थलपते विजय एक एल्कोहलिक प्रोफेसर बताया हुआ है जो कॉलेज के जो हेड से उनके द्वारा काफी ज्यादा हेट करते आ रहे हैं उनको और इसके अलावा वो कोई भी रोल फॉलो नहीं करता है और वो पर स्टूडेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है उनके हक़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बात करता हुआ नज़र आ रहा है लेकिन कुछ एक ऐसा बड़ा इश्यू होता है जिसकी वजह से उसको करेक्शन सेंटर भेज दिया जाता है कुछ यंग क्रिमिनल बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए दूसरी तरफ करेक्स करेक्शन जो सेंटर है वो मैनेज करता है भवानी यानी कि विजय सेतुपति जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इनलीगल एक्टिविटी करता हुआ नजर आ रहा है जो पुलिस वहाँ पे तैनात है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है और वो बच्चों को लेकर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी का तोा नजर आ रहा है तो अब किस तरह से जेडी को इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जब ये सभी चीज़ें पता चलेगी तो जेडी किस तरह से भवानी के सामने खड़ा रहता है वो एक ट्रेंडेड ट्रेडेड गैंगस्टर है तो उसके सामने कैसा खड़ा रहता है किस तरह से उन सभी चीज़ों को शॉर्ट आउट करेगा और भवानी को किस तरह से वो ख़त्म करता है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है जहाँ पे फिल्म का जो सेटअप किया गया था वो काफ़ी बढ़िया था स्टोरी आइडिया अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे विजय के किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ था काफ़ी अच्छे खासे स्कोप के साथ क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे एक अच्छा खासा स्कोप क्रिएट किया था मास मिन सीन के लिए जिसको काफी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सेट किया हुआ है तलपते विजय इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया हैंडसम नजर आ रहे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी उनका डांस परफॉर्मेंस जिस तरह से वो सभी चीजें देखने को मिलती है वो काफ़ी शानदार है इसके अलावा दूसरी तरफ एक और बड़े एक्टर आपको विलन के रोल में दिखाई देंगे यानी कि विजय सेतुपति उनका रोल भी डायरेक्टर ने उसी लेवल पे उसी कदर के साथ लिखा हुआ है जहाँ पे एक उनको एक लोकल लुक दिया गया था जिसको उन्होंने काफ़ी सुपर मैनर में, में हैंडल किया हुआ है उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इंप्रेसिव है उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी टॉप क्लास देखने को मिलती है उनके जितने भी सीन क्रिएट हुए वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आते जो आपको आसानी से स्क्रीन पर अट्रैक्ट करने के लिए जाने जाएंगे जहाँ पे उनकी डायलॉग डिलीवरी जो जिस तरह से वो डिलीवर करते जिस तरह से उनका एक फेशियल एक्सप्रेशन रहता है जिस तरह से वो पूरी तरह से वो कैरेक्टर हैंडल करते वो आपको प्रॉपर वे में इन्जॉयमेंट देने वाले हैं मालविका मोहनन को एक सिंपल नीट रोल दिया गया था जहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया रोल तरीके से उस रोल को निभा रही थी फिल्म का जो एक टर्निंग पॉइंट होता है वो की रोल उनके पास था जहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है फाइट सीन पे दोनों लीड एक्टर्स के बीच में यानी कि विजय विजय सेतुपति के बीच में जिस तरह से क्रिएट की हुई है वो अमेजिंग है वहाँ पे कैमरा वर्क आर्ट डायरेक्शन जिस तरह से वो फाइट मास्टर ने सभी चीजों को कंपोज किया हुआ था जिस तरह से कोरियोग्राफी सेट की हुई थी एक्शन की वो बढ़िया थी कबड्डी सीन जिस तरह से विजय के साथ क्रिएट किया हुआ था फिल्म का इंटरवल बैंक जहाँ पे फोन कन्वर्जेशन सुनने को मिलती है विजय का जो इंट्रो दिखाया हुआ है फिल्म में इसके अलावा अनिर अनिरुद्ध रविचंद्र का जो बीजीएम सुनने को मिलता है वो सभी चीज़ें फिल्म की वन ऑफ दी हाईलाइट पॉइंट में शामिल होती है फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो हीरो विलन के बीच में जो सीन दिखाए हुए वो काफ़ी ज़्यादा कम थे उसको और बेहतर वे में फर्स्ट और सेकंड हाफ सेकंड हाफ़ में ऐड किया जा सकता था करंट कंफनट्रेशन वाले सीन जितने बेहतर होते कि जितने ज़्यादा होते जितने अच्छे खासे तरीके से एग्जीक्यूट किए होते वो फिल्म को और बेहतर बना सकता था थलपते विजय और विजय सेतुपति सिर्फ फिल्म के क्लाइमेक्स में मिलते हैं वहाँ पर काफी अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हैंडल किया है लेकिन वो सभी चीज़ें पहले ही ऐड कर देते तो फिल्म और बेहतर वे में हमारे सामने निखर के आ सकती थी इसके अलावा उन दोनों के जितने भी इंडिविजुअल सीन क्रिएट हुए जहाँ पे जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई हुई है वो सभी चीज़ें स्टोरी के हिसाब से सिंपल जा रही थी वहाँ पे प्रॉपर वे में कई चीज़ों को तो एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ है करेक्शन सेंटर इस फिल्म का विलन है वो जिस तरह से ओवरटेकन कर लेता है वो किस तरह से करता है वो सभी चीज़ें नहीं बताई हुई है इसके अलावा फिल्म को करीबन 20-25 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था क्योंकि ऐसे कुछ सीन्स थे जिसको हटा देते तो फिल्म की कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था लोकेश कनक ने जिस तरह से क्राइम ड्रामा को शोकेस किया हुआ है वो काफी ग्रेटी मैनर में उन्होंने दिखाया हुआ था स्टार वेली को भी काफ़ी ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ों को उन्होंने नेरेट किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने जो कहानी दिखाई वो जरूर थोड़ी प्रिडिक्टेबल नजर आएगी लेकिन जिस तरह से स्टार वेली को जस्टिफाई किया हुआ है थ्रिलिंग मोमेंट को जिस तरह से कहानी का आइडिया था वो सभी चीज़ें उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल की हुई है फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो टॉप नॉच प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिलती है अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है फिल्म में जो फिल्म की हर एक फ्रेम में नजर आता है फिल्म का आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था फिल्म के सभी एक्टर को जो स्टाइलाइज किया हुआ था वो अच्छा था लाइटिंग इफेक्ट बढ़िया थी कलर ग्रेडिंग कलर टोन अच्छा था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट थी फिल्म को और छोटा किया जा सकता था कैमरा वर्क फिल्म का काफ़ी शानदार था चहल का सेटअप जो शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी रियलिस्टिक मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म के डायलॉग्स काफी बढ़िया थे इसके अलावा हिंदी डबिंग के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के लिरिक्स से वो डिसेंट वे में लिखे हुए थे प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म के अच्छी तरह से देखने को मिलते है कॉलेज का सेटअप म्यूजिक काफी टॉप टॉप्लास टॉप क्लास का सुनने को मिलता है सॉन्ग्स बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अवल दर्जे के थे जो फिल्म को अच्छी खासी तरीके से हेल्प कर रहा था इस फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनक का ने काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म को हैंडल किया हुआ है जहाँ पे फिल्म के कुछ इमोशंस आपको कनेक्ट करेंगे वहीं पे कुछ इमोशनल सीन्स आपको थोड़े वीक नज़र आ सकते हैं इस फिल्म में विजय का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है जिस तरह से एक्शन सिक्वेंस से जो स्टोरी का आइडिया था जो एक मैसेज था उसको बढ़िया तरीके से उन्होंने डिलीवर किया हुआ है हालाँकि दोनों लीड एक्टर मेन प्रोटोकोनिस और मेन एंटागोनिस्ट के बीच में अगर थोड़े और कन्फ्रेंटेशन वाले सीन क्लाइमेक्स के पहले डाल देते तो और बेहतर रहता ओवरऑल एक अच्छी खासी एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जिसे ज़रूर देखा जा सकता है जहाँ पे इस फिल्म में आपको थल विजय और विजय सेतुपति दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बो देखने को मिलता है हीरो विलन का जो एक टग ऑफ वॉर देखने को मिलता है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा फिल्म की कहानी पसंद आएगी उसके ट्रीटमेंट पसंद आएगी स्टोरी वाइज ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी थोड़ी लेंदी लग सकती है अदरवाइज़ अगर उस चीज़ को इग्नोर करते हो तो फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है काफ़ी सारी चीज़ें जो ज़रूर पसंद आ सकती है जिस वजह से इस फिल्म को जरूर देखा जा सकता है अब रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो मास्टर को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था वैसे तो पहले जब फिल्म को अनाउंस किया गया था तब ये फिल्म सिर्फ तेलुगु वर्द सॉरी सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज होने वाली थी उसके बाद में तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन को ऐड किया गया था लेकिन जब फाइनली रिलीज किया गया तब मास्टर फिल्म को तेलुगु कन्नडा हिंदी डब्ड वर्जन के साथ तमिल मेन लैंग्वेज में रिलीज किया गया था टोटल चार लैंग्वेजेस में जहाँ पे इस फिल्म के मलयालम वर्जन को करीबन काफ़ी लंबे समय के बाद ओ पे डायरेक्ट प्रीमियर करवाया हुआ था यानी कि इस फिल्म को डब्ड वर्जन को लेट रिलीज़ करवाया गया था तो इस तरह से टोटल पाँच लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे फिल्म का बजट एक सौ पैंतीस करोड़ था और यूएस सर्टिफिकेट सा के साथ तेरह जनवरी दो हज़ार इक्कीस को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे हिंदी वर्जन में इस फिल्म को विजय दी मास्टर नाम दिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी रिमेक राइट्स भी बेचे गए लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं मिली है अदरवाइज इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है विजय दी मास्टर उसको बिफोर इमोशन पिक्चर्स वालों ने डॉप्ट करके रिलीज करवाया हुआ था वही इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर थे वहीं पे सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने इस फिल्म को तमिल वर्जन में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को आई एम डी पे करीबन चौहत्तर हजार वोट मिले हुए थे जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था ज्यादातर क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था वहीं पर ऑडियंस की तरफ से काफी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी टी सैटेलाइट राइट के ऊपर तो फिल्म को तो काफी बड़ी रकम में बेचा गया था जहाँ पे फिल्म के डबिंग राइट्स ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स सैटेलाइट राइट्स म्यूजिक राइट डिजिटल राइट्स सभी राइट्स को मिलाकर करीबन 200 करोड़ में इस फिल्म को बचा गया बेचा गया था प्री रिलीज बिजनेस 200 करोड़ का था वो कोविड 19 में ऐसा करने वाली एक पहली फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का थिएट्रिकल जो प्री रिलीज बिजनेस है वो करीबन एक करोड़ 30 लाख का शून्य में आया था जहाँ पे मास्टर फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था एस एस ललित कुमार ने सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को तमिलनाडु में काफ़ी बढ़िया लेवल पे रिलीज किया हुआ था वहीं पर मलयालम वर्जन केरला में इस फिल्म को पृथ्वीराज सुकुमार ने पृथ्वीराज प्रोडक्शन के नीचे अपने बैनर के नीचे रिलीज करवाया हुआ था इस तरह से धीरज इंटरप्राइज इंटर्प्रा, और महेश कोनेरू ने मिलकर यानी कि ईस्ट कोस्ट प्रोडक्शन ने मिलकर इस फिल्म के कर्नाटक के लिए डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे हुए थे और आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के लिए और वहाँ पे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था उनके तहत वहाँ पे भी बढ़िया स्क्रीनिंग मिली हुई थी यू यूनाइटेड इंडिया एक्सपोर्ट्स और मालिक स्ट्रीम्स ने इस फिल्म को ओवरसीज के राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पे हिंदी वर्जन और नॉर्थ इंडिया के रिलीज के लिए जो राइट्स थे वो भी फॉर इमोशन पिक्चर्स को दिए गए थे जिन्होंने एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई हुई थी ये फिल्म 50 परसेंट ऑक्यूपेंसी के साथ रिलीज की गई थी जहाँ पे लोटस लो फाइव स्टार बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स इन मलेशिया और सिंगापुर तो इस तरह से अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के तहत इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म ने टीजर ट्रेलर ने कहीं बढ़िया रिकॉर्ड क्रिएट किए थे फिल्म का मार्केट में बस बढ़िया था जिसके चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया ओपनिंग ली हुई थी और उसी के चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने में कामयाब रही थी जहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पहले दिन करीबन 25 करोड़ की ओपनिंग ली हुई थी उसके बाद में फिल्म जिस तरह से एक डिसेंट मिक्स रिस्पांस मिला था तब फिल्म ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड जो ग्रोस कलेक्शन है तीन दिनों का वो करीबन एक सौ दस करोड़ का करके दिखाया हुआ था और ये कोविड के समय के बाद आने वाली पहली ऐसी फिल्म थी जिसने सौ करोड़ का मार्क हासिल किया हुआ था और तीन दिनों में करीबन पचास करोड़ का कलेक्शन तो तमिलनाडु से भी निकला हुआ था और इस फिल्म का जो फाइनल रन निकल के आया था वो करीबन एक सौ पैंतालीस करोड़ सिर्फ तमिलनाडु से था और ये 2021 हज़ार की तमिलनाडु की वन ऑफ़ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी साबित हुई थी और इंडिया की भी वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे तब अन्नाथा अनाथे फिल्म को भी इस फिल्म ने सरप्राइज उसके बाद इस फिल्म को सरप्राइज किया था अनाथे फिल्म ने रजनीकांत जी की फिल्म थी डेढ़ करोड़ उस फिल्म ने कलेक्ट किए हुए थे इस फिल्म का जो पहले वीक का कलेक्शन था वो वर्ल्ड वाइड करीबन एक 140 करोड़ का था नौ दिनों में इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया धमाका मचा दिया था उसके बाद में डे बाय डे इस फिल्म को काफ़ी अच्छा खासा का रिस्पांस मिला और उसी के चलते इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और बाद में इस फिल्म ने 135 करोड़ के बजट के सामने 250 से 300 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया उसके अलावा सैटेलाइट ओटीटी राइट्स को बेचते हुए फिल्म ने काफ़ी बढ़िया लेवल पर प्रॉफिट करके दिया हुआ था और मेकर्स ने तो इस फिल्म से काफ़ी अच्छा खासा का प्रॉफिट हासिल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के जो ओ और सेटेलाइट राइट्स है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म को बेचे गए थे जहाँ पर इस फिल्म के जो डिजिटल राइट्स है वो अमेज़न प्राइम मीडियो के पास करीबन बावन करोड़ में बेचे गए थे और इस फिल्म के सभी वर्ज़न को वहीं पे प्रीमियर करवाया हुआ था और इसके अलावा हिंदी वर्जन था उसके राइट्स जी फाइव एफ को बेचे गए थे और इसी के साथ इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स वो तमिल तमिल लैंग्वेज के लिए और दूसरी साउथ इंडियन लैंग्वेज के लिए सन टी नेटवर्क को बेचे गए थे करीबन बत्तीस करोड़ में टीवी प्रीमियर सन टीवी के ऊपर तमिल लैंग्वेज में इस फिल्म को क्रिएट किया तमिल लैंग्वेज के साथ साथ दूसरी लैंग्वेज में प्रीमियर करवाया गया था मलयालम वर्जन को सूर्या टीवी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए सैटेलाइट और डिजिटल राइट से वो जी नेटवर्क ने खरीदे हुए थे इस वजह से जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म को विजय दी मास्टर के नाम से प्रीमियर करवाया था वहीं पे जी फाइव के ऊपर इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन अवेलेबल किया हुआ था तो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम ये चार वर्जन में चार साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट राइट्स है वो सन टीवी नेटवर्क के पास है तो ये सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में अलग अलग टेलीविज़न चैनल जैसे कि सन टीवी वी या और साथ ही में सूर्या टीवी जैसी चैनल के ऊपर इस फिल्म को तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा वहीं पे इस फिल्म को आप वहाँ पे इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा हिंदी डब्ड वर्जन के राइड्स है वो जी नेटवर्क के पास है जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी में वैसे तो बिफोर इमोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उन्होंने जी नेटवर्क को इस फिल्म के ओ टी और सैटेलाइट राइट्स बेचे हुए थे जहाँ पे विजय दी मास्टर के नाम के साथ इस फिल्म को हिंदी वर्जन में जी सिनेमा के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था तो जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर ये फिल्म आपको विजय दी मास्टर नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म को ओ टी टी पी जी फाइव के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे विद इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को विजय दी मास्टर नाम के साथ हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से मास्टर या तो विजय दी मास्टर फिल्म आप तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो मास्टर जो दो हजार इक्कीस की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में विजय दी मास्टर नाम से डब करवाया गया है वहीं पर इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो लोकेश कनक का था उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है वो लोकेश कनक ने खुद की हुई थी उसमें जो डायलॉग्स है वो लोकेश कनक राज रत्ना कुमार पवन पार्थिबन ने मिलकर लिखे हुए हैं वहीं पे हिंदी वर्जन के डायलॉग्स शिव गोपाल कृष्णा ने लिखे हुए है इसके अलावा इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन है वो लोकेश कनक ने खुद किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस जेवियर ब्रिटो ने और एस जेवर ब्रिटो ने इस फिल्म को काफ़ी बड़े बजट के साथ करीबन 135 करोड़ के बजट के साथ अपने प्रोडक्शन कंपनी यानी कि एक्स बी फिल्म क्रिएटर्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने जिन्होंने इस फिल्म को कोविड के टाइम पे काफ़ी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी जहाँ पर इस फिल्म को Uh, करीबन यू सर्टिफिकेट के साथ एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था उसके बावजूद फिल्म ने फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी होने के बावजूद काफ़ी धमाका मचाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विजय इसके अलावा विजय सेतु सेतुपति एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करें मेन एंटागोनिस्ट का साथ ही में मालविका मोहन है जो विजय के अपोजिट कास्ट की गई है उसी के साथ शांतनु भाग्यराज

कुमार वहीं पर लिंटू रॉय धीनू लल्लू उदयराज पुवैर श्रीमाव श्रीमन संजीव श्रीनाथ प्रेम कुमार नागेंद्र प्रसाद संगीता वी मास्टर भागवाज और वसंत ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे कुछ ने इसमें से जो रोल प्ले किए हुए उनके रोल डिलीट हो चुके हैं जिसे कि सुरेखा वानी ने आदिक की मां का रोल प्ले किया हुआ उनका सीन ही फिल्म से हट चुका था वहीं पे कुछ ने सिर्फ गानों में कैमियो कैम्योपेरेंस दिया हुआ है तो इतनी ये फिल्म की मेन कास्ट है जिन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी सत्यान सूर्या ने की हुई है एडिटिंग फिलोमिन राज ने किए हुए म्यूजिक दिया हुआ है अनिरुद्ध रविचंद्र ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के गाने फिल्म का साउंड ट्रेक काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था जहाँ पे सभी वर्जन्स में ये साउंड ट्रैक कमाल कर गया था इस फिल्म के गानों को पाँच लैंग्वेज में रिक्रिएट किया गया था सोनी म्यूजिक के पास इस फिल्म के सभी वर्जन्स के राइट्स थे जिन्होंने काफ़ी बड़ी रकम दे के इस फिल्म के गानों के राइट्स खरीदे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को 2019 में बिगिल के बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करवा दिया गया था जहाँ पे फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाद में करवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 120 दिनों के कॉल सीट के साथ बनाने का फैसला लिया गया था जहाँ पे इस फिल्म को बनाते समय बताया जा रहा था कि केती फिल्म के साथ शायद ये फिल्म कनेक्ट हो सकती है लेकिन बाद में पता चला कि मास्टर फिल्म अलग है केती के साथ जो फिल्म कनेक्ट करने वाले थे वो विक्रम थी इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग में काफ़ी सारे अलग अलग एक्टर्स को लिया गया था जहाँ पे इस फिल्म में अर्जुन है वो मेन एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करने वाले थे अर्जुन सरजा लेकिन बाद में ऑफिशियली जब अनाउंसमेंट हुई तब विजय सेतुपति को लिया गया था क्या अडवानी राशिक खन्ना रश्मिका मंदना को लीड रोल के लिए लिया जाने वाला था लेकिन उन सभी कंसिडरेशन के बीच में इस फिल्म का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया तब मालविका मोहनन को फिल्म का लीड रोल दिया गया था तो इस तरह से इस फिल्म की लीड कास्ट की कास्टिंग की गई थी बाद में तो अलग अलग एक्टर्स को कुछ अलग अलग काम के तहत इसमें लिया गया था और कुछ एक्टर्स ऐसे थे जो ऑलरेडी फिल्म के डायरेक्टर यानी कि लोकेश कनक राज के साथ उनकी पहले की फिल्मों में काम कर चुके थे और उसी वजह से वो इस फिल्म में भी देखने को मिले थे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म की पूजा सेरेमनी थी वो तीन अक्टूबर 2019 को स्टार्ट की गई थी जहां पे कास्ट और क्रू और जिस तरह से जितने भी मेम्बर थे फिल्म के साथ जुड़े हुए वहीं पे उस इवेंट में प्रेजेंट थे चार अक्टूबर से इस फिल्म को एक ट्विटर हैंडल के थ्रू रत्ना कुमार ने इस फिल्म के एक स्क्रीन प्ले के और क्रो राइटर के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हुए सा एक अनाउंसमेंट दिया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग अलग अलग शेड्यूल के तहत कम्प्लीट करवाया हुआ था फिल्म का पहला शेड्यूल चेन्नई में रखा गया था जिसको पंद्रह दिनों में कम्प्लीट किया हुआ था दूसरा शेड्यूल था वो करीबन बीस दिनों का था जिसको दिल्ली में सेट किया हुआ था जिसको नवंबर 2019 में शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स नॉर्थ कैंपस में इस फिल्म को शूट किया गया था और इसके अलावा फिल्म को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर शूट किया गया था जहाँ पे शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में विजय सेतुपति और तलपते विजय के बीच में जो सीन फीचर्स हुए वहाँ पे शूट किया शूट किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म का डेली डेली शेड्यूल को भी कंप्लीट करवाया गया था जहाँ पे करीबन इस फिल्म को अलग अलग शेड्यूल के तहत कंप्लीट करवाया था और उसके बाद में इस फिल्म को फरवरी 2020 तक करीबन एक दिन वर्किंग डेज के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था तो इस तरह से फिल्म के शूटिंग में इतना लंबा समय लगा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को जब कुछ पोर्शन थे कुछ ऐसी चीज़ें थी उसको पेज वर्क के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था जिस वजह से फिल्म के एक दिन में थोड़े दिन और बड़े हुए थे उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया हुआ जहाँ पे मार्च 2020 तक तो कोविड 19 की वजह से काम रुक चुका था धीरे धीरे बाद में फिर से काम स्टार्ट किया गया रिज्यूम किया गया उसके बाद में जैसे थोड़ा बहुत मार्केट ओपन हुआ तब इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करवाया हुआ था तब 50 परसेंट ऑक्यूपेंसी थी कई जगह पे थिएटर क्लोज थे उसके बावजूद जिस तरह से फिल्म ने ओपनिंग ली हुई थी वो काफ़ी धमाकेदार थी जिस वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रन ले गई थी और लोगों को पसंद भी आई थी फिल्म अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो उससे पहले मैं आपको इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट साथ ही में इस फिल्म की स्टार कास्ट में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर हैं उसके बारे में बता देता हूं इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स सोनी म्यूजिक इंडिया ने खरीदे हुए हैं वहीं पे उन्होंने सभी वर्जन के राइट्स अच्छे खासे प्राइज में खरीदे हुए हैं दो हज़ार में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था जिसके म्यूजिक की कंपोजिशन अनिरुद्ध रविचंदन ने की हुई है गानों की और बैकग्राउंड स्कोर दोनों की 15 मार्च 2020 तक सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के गानों को अलग अलग स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाया गया था इस फिल्म में टोटल आठ गाने तमिल वर्जन में दूसरे सभी वर्जन है वहाँ पे भी आठ आठ गाने सुनने को मिलेंगे हिंदी तेलुगु कन्नडा मलयालम सभी वर्जन में जहाँ पे तमिल वर्जन की ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है वाथी कमिंग

जो कंपोज किया हुआ था निरुद्ध रविचंद्र ने पोला पारा पारा करके जो गाना था उसके लिरिक्स लिखे विष्णु इडावन ने और सिंगर थे संतोष नारायण छठा गान सातवा गाना जो था पोना पोगत्तम जिसके लिरिक्स लिखे विष्णु इडावन ने और सिंगर थे सी बी बी ने आठवां गाना वाथी रेड जिसके लिरिक्स लिखे हुए ने और सिंगर थे अरिव और अनिरुद्ध रविचंदर तो इस तरह से टोटल आज गाने थे जिसको कंपोज किया था अनिरुद्ध रविचंदर ने जिसको फिलहाल में आप यूट्यूब पे सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अलग अलग लैंग्वेज में सुन सकते हो जहाँ पे हिंदी वर्जन की ट्रैक लिस्टिंग करे तो पहला गाना है मास्टर कमिंग दूसरा गाना है वो मुस्कुराट आंखों का तीसरा गाना है छोटी स्टोरी चौथा गाना है कैद करना पांचवा गाना है बेस्ट ऑफ मास्टर इंस्ट्रूमेंटल छठा गाना है ढोलतास बजा बजा सातवा गाना है रोशनी से भर उठा और आठवां गाना है मास्टर रेड तो इस तरह से इतने गाने वो आपको हिंदी वर्जन में भी सुनने को मोल मिलेंगे सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तो इस तरह से इन गानों को यूट्यूब पे फ्री में ऑफिशियली आप इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो इस फिल्म में काफ़ी बड़ी कास्ट है तो मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट कैरेक्टर के रोल बता देता हूँ विजय ने जेडी डी दुरारी राज यानी कि जॉन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक अल्कोहलिक कॉलेज प्रोफेसर है जो अपने फ्रेंड्स और साथी में स्टूडेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इसके अलावा विजय सेतुपति तो भवानी के रोल में दिखाई देंगे जो एक नोटोरियस गैंगस्टर है जो एक रूथलेस एक काम का हुआ नज़र आ रहा है क्रिमिनल एक्टिविटीज वो भी जेल के अंदर करता हुआ नजर आ रहा है वहीं पे उनका यंगर वर्जन है वो महेंद्रन ने प्ले किया हुआ यंग भवानी का और मालविका मोहनद चारु लता चारू प्रसाद के रोल में दिखाई देंगे शांतनु भाग्यराज ने भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है एंड्रिया जेरेमिया को वाती का रोल वनाती का रोल दिया गया है जो जेडी की फ्रेंड है और आरकरी एक्सपर्ट है वहीं पर अर्जुन दास देखने को मिलेंगे दास के रोल में गौरी जी किशन को सविता का रोल दिया गया था नजर ने कॉलेज फाउंडर का रोल प्ले किया हुआ था अलागर पेलोमल ने कॉलेज प्रिंसिपल का रोल प्ले किया गया था इस तरह से इतने आर्टिस्ट थे जो कुछ इम्पोर्टेंट किरदार अलग अलग प्ले करते हुए नजर आए थे अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी में जेडी यानी कि थलपते विजय एक एल्कोहलिक प्रोफेसर बताया हुआ है जो कॉलेज के जो हेड से उनके द्वारा काफी ज्यादा हेड करते आ रहे हैं उनको और इसके अलावा वो कोई भी रोल फॉलो नहीं करता है और वो पर स्टूडेंट के बीच में काफ़ी ज्यादा फेमस है उनके हक के लिए काफ़ी ज्यादा बात करता हुआ नजर आ रहा है लेकिन कुछ एक ऐसा बड़ा इश्यू होता है जिसकी वजह से उसको करेक्शन सेंटर भेज दिया जाता है कुछ यंग क्रिमिनल बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए दूसरी तरफ करेक्श करेक्शन जो सेंटर है वो मैनेज करता है भवानी यानी कि विजय सेतुपति जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इनलीगल एक्टिविटी करता हुआ नजर आ रहा है जो पुलिस वहाँ पे तैनात है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है और वो बच्चों को लेकर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी का तोा नजर आ रहा है तो अब किस तरह से जे को इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जब ये सभी चीज़ें पता चलेगी तो जे किस तरह से भवानी के सामने खड़ा रहता है वो एक ट्रेंडेड ट्रेडेड गैंगस्टर है तो उसके सामने कैसा खड़ा रहता है किस तरह से उन सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगा और भवानी को किस तरह से वो ख़त्म करता है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है जहाँ पे फिल्म का जो सेटअप किया गया था वो काफ़ी बढ़िया था स्टोरी आइडिया अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे विजय के किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ था काफ़ी अच्छे खासे स्कोप के साथ क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे एक अच्छा खासा स्कोप क्रिएट किया था मास मिनिया सीन के लिए जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सेट किया हुआ है तलपते विजय इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया हैंडसम नजर आ रहे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी उनका डांस परफॉर्मेंस जिस तरह से वो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी शानदार है इसके अलावा दूसरी तरफ एक और बड़े एक्टर आपको विलन के रोल में दिखाई देंगे यानी कि विजय सेतुपति उनका रोल भी डायरेक्टर ने उसी लेवल पे उसी कदर के साथ लिखा हुआ है जहाँ पे एक उनको एक लोकल लुक दिया गया था जिसको उन्होंने काफ़ी सुपर में वे मैनर में हैंडल किया हुआ है उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इंप्रेसिव है उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी टॉप क्लास देखने को मिलती है उनके जितने भी सीन क्रिएट हुए वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आते हैं जो आपको आसानी से स्क्रीन पर अट्रैक्ट करने के लिए जाने जाएंगे जहाँ पे उनकी डायलॉग डिलीवरी जो जिस तरह से वो डिलीवर करते जिस तरह से उनका एक फेशियल एक्सप्रेशन रहता है जिस तरह से वो पूरी तरह से वो कैरेक्टर हैंडल करते वो आपको प्रॉपर वे में इन्जॉयमेंट देने वाले मालविका मोहनन को एक सिंपल नीट रोल दिया गया था जहाँ पे वो काफी बढ़िया रोल तरीके से उस रोल को निभा रही थी फिल्म का जो एक टर्निंग पॉइंट होता है वो की रोल उनके पास था जहाँ पे उन्होंने काफी बढ़िया काम किया हुआ है क्लाइमेक दोनों लीड एक्टर्स के बीच में यानी कि विजय विजय सेतुपति के बीच में जिस तरह से क्रिएट की हुई है वो अमेजिंग है वहाँ पे कैमरा वर्क आर्ट डायरेक्शन जिस तरह से वो फाइट मास्टर ने सभी चीज़ों को कंपोज किया हुआ था जिस तरह से कोरियोग्राफी सेट की हुई थी एक्शन की वो बढ़िया थी कबड्डी सीन जिस तरह से विजय के साथ क्रिएट किया हुआ था फिल्म का इंटरवल बिंग जहाँ पे फोन कन्वर्जेशन सुनने को मिलती है विजय का जो इंट्रो दिखाया हुआ है फिल्म में इसके अलावा अनिर अनिरुद्ध रविचंद्र का जो बी जी को मिलता है वो सभी चीज़ें फिल्म के वन ऑफ दी हाईलाइट पॉइंट में शामिल होती है फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो हीरो विलन के बीच में जो सीन दिखाए हुए वो काफ़ी ज़्यादा कम थे उसको और बेहतर वे में फर्स्ट और सेकंड हाफ सेकंड हाफ़ में ऐड किया जा सकता था करंट कंफ्रंट्रेशन वाले सीन जितने बेहतर होते कि जितने ज़्यादा होते जितने अच्छे खासे तरीके से एग्जीक्यूट किए होते वो फिल्म को और बेहतर बना सकता था थलपते विजय और विजय सेतुपति सिर्फ फिल्म के क्लाइमेक्स में मिलते हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हैंडल किया है लेकिन वो सभी चीज़ें पहले ही ऐड कर देते तो फिल्म और बेहतर वे में हमारे सामने निखर के आ सकती थी इसके अलावा उन दोनों के जितने भी इंडिविजुअल सीन क्रिएट हुए जहाँ पे जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई हुई है वो सभी चीज़ें स्टोरी के हिसाब से सिंपल जा रही थी वहाँ पर प्रॉपर वे में कई चीज़ों को तो एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ है करेक्शन सेंटर इस फिल्म का विलन है वो जिस तरह से ओवरटेकन कर लेता है वो किस तरह से करता है वो सभी चीज़ें नहीं बताई हुई है इसके अलावा फिल्म को करीबन 20-25 मिनट जितना छोटा किया जा सकता था क्योंकि ऐसे कुछ सीन्स थे जिसको हटा देते तो फिल्म की कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था लोकेश कनक ने जिस तरह से क्राइम ड्रामा को शोकेस किया हुआ है वो काफी ग्रेटी मैनर में उन्होंने दिखाया हुआ था स्टार वैल्यू को भी काफ़ी ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ों को उन्होंने नेरेट किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने जो कहानी दिखाई वो जरूर थोड़ी प्रिडिक्टेबल नजर आएगी लेकिन जिस तरह से स्टार वैल्यू को जस्टिफाई किया हुआ है थ्रिलिंग मोमेंट को जिस तरह से कहानी का आइडिया था वो सभी चीज़ें उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल की हुई है फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो टॉप नॉच प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिलती है अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है फिल्म में जो फिल्म के हर एक फ्रेम में नज़र आता है फिल्म का आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था फिल्म के सभी एक्टर को जो स्टाइलाइज किया हुआ था वो अच्छा था लाइटिंग इफेक्ट बढ़िया थी कलर ग्रेडिंग कलर टोन अच्छा था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट थी फिल्म को और छोटा किया जा सकता था कैमरा वर्क फिल्म का, का काफ़ी शानदार था जेल का सेटअप जो शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी रियलिस्टिक मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा हिंदी डबिंग के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के लिरिक्स से वो डिसेंट वे में लिखे हुए थे प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म के अच्छी तरह से देखने को मिलती है कॉलेज का सेटअप म्यूजिक काफी टॉप क्लास टॉप क्लास का सुनने को मिलता है सॉन्ग्स बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अव्वल दर्जे के थे जो फिल्म को अच्छी खासी तरीके से हेल्प कर रहा था इस फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनक ने काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म को हैंडल किया हुआ है जहाँ पे फिल्म के कुछ इमोशंस आपको कनेक्ट करेंगे वहीं पे कुछ इमोशनल सीन्स आपको थोड़े वीक नज़र आ सकते हैं इस फिल्म में विजय का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है जिस तरह से एक्शन सिक्वेंस से जो स्टोरी का आइडिया था जो एक मैसेज था उसको बढ़िया तरीके से उन्होंने डिलीवर किया हुआ है हालाँकि दोनों लीडर एक्टर मेन प्रोटोकोनिस और मेन एंटागोनिस के बीच में अगर थोड़े और कन्फ्रंटेशन वाले सीन क्लाइमैक्स के पहले डाल देते तो और बेहतर रहता ओवरऑल एक अच्छी खासी एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जिसे ज़रूर देखा जा सकता है जहाँ पे इस फिल्म में आपको थल पते विजय और विजय सेतुपति दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बो देखने को मिलता है हीरो विलन का जो एक टग ऑफ वॉर देखने को मिलता है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा फिल्म की कहानी पसंद आएगी उसके ट्रीटमेंट पसंद आएगी स्टोरी वाइज ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी थोड़ी लेंदी लग सकती है अदरवाइज अगर उस चीज़ को इग्नोर करते हो तो फिल्म में काफी सारे ऐसे पॉइंट है काफी सारी चीज़ें जो जरूर पसंद आ सकती है जिस वजह से इस फिल्म को जरूर देखा जा सकता है अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो मास्टर को पेन इंडिया लेवल पे रिलीज किया गया था वैसे तो पहले जब फिल्म को अनाउंस किया गया था तब ये फिल्म सिर्फ तेलुगु वर्दोरी सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज होने वाली थी उसके बाद में तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन को ऐड किया गया था लेकिन जब फाइनली रिलीज किया गया तब मास्टर फिल्म को तेलुगु कन्नडा हिंदी डब्ड वर्ज़न के साथ तमिल मेन लैंग्वेज में, में रिलीज़ किया गया था टोटल चार लैंग्वेज में जहाँ पे इस फिल्म के मलयालम वर्ज़न को करीबन काफ़ी लंबे समय के बाद ओ टी टी पे डायरेक्ट प्रीमियर करवाया हुआ था यानी कि इस फिल्म को डब्ड वर्जन को लेट रिलीज करवाया गया था तो इस तरह से टोटल पांच लेंगे जिसमें इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे फिल्म का बजट एक सौ पैंतीस करोड़ था और यूएस सर्टिफिकेट सा के साथ तेरह जनवरी दो हज़ार इक्कीस को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे हिंदी वर्जन में इस फिल्म को विजय दी मास्टर नाम दिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी रिमेक राइट्स भी बेचे गए लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं मिली है अदरवाइज इस फिल्म का जो हिंदी डप्ट वर्जन है विजय दी मास्टर उसको बिफोर इमोशन पिक्चर्स वालों ने डप्ट करके रिलीज़ करवाया हुआ था वही इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर थे वहीं पे सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने इस फिल्म को तमिल वर्जन में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को आई पे करीबन चौहत्तर हजार वोट मिले हुए थे जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था ज्यादातर क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था वहीं पर ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स के ऊपर तो फिल्म को तो काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था जहाँ पे फिल्म के डबिंग राइट्स ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स सैटेलाइट राइट्स म्यूजिक राइट डिजिटल राइट्स सभी राइट्स को मिलाकर करीबन 200 करोड़ में इस फिल्म को बचा गया बेचा गया था प्री रिलीज बिजनेस 200 करोड़ का था वो कोविड 19 में ऐसा करने वाली एक पहली फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का थिएट्रिकल जो प्री रिलीज बिजनेस है वो करीबन एक करोड़ तीस लाख का सुनने में आया था जहाँ पे मास्टर फिल्म का वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था एस एस ललित कुमार ने सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को तमिलनाडु में काफ़ी बढ़िया लेवल पे रिलीज़ किया हुआ था वहीं पे मलयालम वर्जन केरला में इस फिल्म को पृथ्वीराज सुकुमार ने पृथ्वीराज प्रोडक्शन के नीचे अपने बैनर के नीचे रिलीज करवाया हुआ था इस तरह से धीरज इंटरप्राइज इंटर्प्रा, और महेश कोनेरू ने मिलकर यानी कि ईस्ट कोस्ट प्रोडक्शन ने मिलकर इस फिल्म के कर्नाटक के लिए डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ख़रीदे हुए थे और आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के लिए और वहाँ पे इस फिल्म को रिलीज किया गया था उनके तहत वहाँ पे भी बढ़िया स्क्रीनिंग मिली हुई थी यू यूनाइटेड इंडिया एक्सपोर्ट्स और मालिक स्ट्रीम्स ने इस फिल्म को और ओवरसीज के राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पे हिंदी वर्जन और नॉर्थ इंडिया के रिलीज के लिए जो राइट्स थे वो भी फॉरी मोशन पिक्चर्स को दिए गए थे जिन्होंने एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई हुई थी ये फिल्म फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी के साथ रिलीज़ की गई थी जहाँ पे लोट लोटस फाइव स्टार बोर्ड बोट डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स इन मलेशिया और सिंगापुर तो इस तरह से अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के तहत इस फिल्म को रिलीज किया गया था फिल्म ने टीजर ट्रेलर ने कहीं बढ़िया रिकॉर्ड क्रिएट किए थे फिल्म का मार्केट में बस बढ़िया था जिसके चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया ओपनिंग ली हुई थी और उसी के चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने में कामयाब रही थी जहां पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पहले दिन करीबन 25 करोड़ की ओपनिंग ली हुई थी उसके बाद में फिल्म जिस तरह से एक रिसेंट मिक्स रिस्पॉन्स मिला था तब फिल्म ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड जो ग्रोस कलेक्शन है तीन दिनों का वो करीबन एक सौ दस करोड़ का करके दिखाया हुआ था और ये कोविड के समय के बाद आने वाली पहली ऐसी फिल्म थी जिसने सौ करोड़ का मार्क हासिल किया हुआ था और तीन दिनों में करीबन पचास करोड़ का कलेक्शन तो तमिलनाडु से भी निकला हुआ था और इस फिल्म का जो फाइनल रन निकल के आया था वो करीबन एक करोड़ सिर्फ तमिलनाडु से था और ये 2021 हज़ार की तमिलनाडु की वन ऑफ़ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी साबित हुई थी और इंडिया की भी वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे तब अन्नाथा अनाथे फिल्म को भी इस फिल्म ने सरप्राइज उसके बाद इस फिल्म को सरप्राइज़ किया था अनाथे फिल्म ने रजनीकांत जी की फिल्म थी डेढ़ सौ करोड़ उस फिल्म ने कलेक्ट किए हुए थे इस फिल्म का जो पहले वीक का कलेक्शन था वो वर्ल्ड वाइड करीबन 140 करोड़ का था नौ दिनों में इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया धमाका मचा दिया था उसके बाद में डे बाय डे इस फिल्म को काफ़ी अच्छा खासा का रिस्पांस मिला और उसी के चलते इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और बाद में इस फिल्म ने 135 करोड़ के बजट के सामने 250 से 300 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया उसके अलावा सैटेलाइट ओ टी टी को बेचते हुए फिल्म ने काफ़ी बढ़िया लेवल पर प्रॉफ़िट करके दिया हुआ था और मेकर्स ने तो इस फिल्म से काफ़ी अच्छा खासा का प्रॉफिट हासिल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के जो ओ और सेटेलाइट राइट्स है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म को बेचे गए थे जहाँ पे इस फिल्म के जो डिजिटल राइट्स है वो एमेज़न प्राइम वीडियो के पास करीबन बावन करोड़ में बेचे गए थे और इस फिल्म के सभी वर्ज़न को वहीं पे प्रीमियर करवाया हुआ था और इसके अलावा हिंदी वर्जन था उसके राइट्स जी फाइव को बेचे गए थे और इसी के साथ से इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स वो तमिल तमिल लैंग्वेज के लिए और दूसरी साउथ इंडियन लैंग्वेज के लिए सन टी नेटवर्क को बेचे गए थे करीबन बत्तीस करोड़ में टीवी प्रीमियर सन टीवी के ऊपर तमिल लैंग्वेज में इस फिल्म को क्रिएट किया तमिल लैंग्वेज के साथ साथ दूसरी लैंग्वेज में प्रीमियर करवाया गया था मलयालम वर्जन को सूर्या टीवी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए सैटेलाइट और डिजिटल राइट से वो जी नेटवर्क ने खरीदे हुए थे इस वजह से जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म को विजय दी मास्टर के नाम से प्रीमियर करवाया था वहीं पे जी फाइव के ऊपर इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ था तो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एमज़ोन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म आपको तमिल तेलगु कन्नडा मलयालम ये चार वर्जन में चार साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट राइट्स है वो सन टीवी नेटवर्क के पास है तो ये सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में अलग अलग टेलीविज़न चैनल जैसे कि सन टीवी वी या और साथ ही में सूर्या टीवी जैसी चैनल के ऊपर इस फिल्म को तमिल तेलगु कन्नडा मलयालम वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा वहीं पे इस फिल्म को आप वहाँ पे इन्जॉय कर सकते हो इसके अलावा हिंदी डब्ड वर्जन के राइड्स है वो जी नेटवर्क के पास है जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी में वैसे तो बिफोर इमोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उन्होंने जी नेटवर्क को इस फिल्म के ओ टी और सेटेलाइट राइट्स से बेचे हुए थे जहाँ पे विजय दी मास्टर के नाम के साथ इस फिल्म को हिंदी वर्जन में जी सिनेमा के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था तो जी सिनेमा और जी सिनेमा आई चैनल के ऊपर ये फिल्म आपको विजय दी मास्टर नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म को ओ टी टी पी जी फाइव के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो जहाँ पे सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को विजय दी मास्टर नाम के साथ हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से मास्टर या तो विजय दी मास्टर फिल्म आप तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो मास्टर जो दो हजार इक्कीस की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में विजय दी मास्टर नाम से डब करवाया गया है वहीं पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो लोकेश कनक का था उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है वो लोकेश कनक ने खुद की हुई थी उसमें जो डायलॉग्स है वो लोकेश कनक राज रत्ना कुमार पवन पार्थिबन ने मिलकर लिखे हुए है वहीं पे हिंदी वर्जन के डायलॉग्स शिव गोपाल कृष्णा ने लिखे हुए है इसके अलावा इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन है वो लोकेश कनक ने खुद किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस सेवियर ब्रिटो ने और एस जेवर ब्रिटो ने इस फिल्म को काफ़ी बड़े बजट के साथ करीबन एक सौ पैंतीस करोड़ के बजट के साथ अपने प्रोडक्शन कंपनी यानी कि एक्स बी फिल्म क्रिएटर्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने जिन्होंने इस फिल्म को कोविड के टाइम पे काफ़ी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को Uh, करीबन यू सर्टिफिकेट के साथ एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था उसके बावजूद फिल्म ने फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी होने के बावजूद काफ़ी धमाका मचाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विजय इसके अलावा विजय सेतु सेतुपति का रोल प्ले करे मेन एंटागोनिस्ट का साथ ही में मालविका मोहन है जो विजय के अपोजिट कास्ट की गई है उसी के साथ भाग्यराज

कुमार वहीं पे लिंटू रॉय दीनू लल्लू उदयराज पुवैर श्रीमव श्रीमन संजीव श्रीनाथ प्रेम कुमार नागेंद्र प्रसाद संगीता वी मास्टर भागवास और वसंती ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे कुछ ने इसमें से जो रोल प्ले किए हुए उनके रोल डिलीट हो चुके हैं जिसे कि सूर्खा वानी ने आदिक की मां का रोल प्ले किया हुआ था उनका सीन ही फिल्म से हट चुका था वहीं पे कुछ ने सिर्फ गानों में केम अपीरेंस दिया हुआ है तो इतनी ये फिल्म की मेन कास्ट है जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी सत्यान सूर्या ने किए हुए एडिटिंग फिलोमिन राज ने किए हुए म्यूजिक दिया हुआ है अनिरुद्ध रविचंद्र ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के गाने फिल्म का साउंड ट्रेक काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था जहाँ पे सभी वर्जनस में ये साउंड ट्रैक कमाल कर गया था इस फिल्म के गानों को पांच लैंग्वेज में रिक्रिएट किया गया था सोनी म्यूजिक के पास इस फिल्म के सभी वर्जनस के राइट्स थे जिन्होंने काफ़ी बड़ी रकम दे इस फिल्म के गानों के राइट्स खरीदे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को 2019 में बिगिल के बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करवा दिया गया था जहाँ पे फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाद में करवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 120 दिनों के कॉल सीट के साथ बनाने का फैसला लिया गया था जहाँ पे इस फिल्म को बनाते समय बताया जा रहा था कि केती फिल्म के साथ शायद ये फिल्म कनेक्ट हो सकती है लेकिन बाद में पता चला कि मास्टर फिल्म अलग है केती के साथ जो फिल्म कनेक्ट करने वाले थे वो विक्रम थी इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग में काफ़ी सारे अलग अलग एक्टर्स को लिया गया था जहाँ पे इस फिल्म में अर्जुन है वो मेन इंटागोनिस का रोल प्ले करने वाले थे अर्जुन सरजा लेकिन बाद में ऑफिशियली जब अनाउंसमेंट हुई तब विजय सेतुपति को लिया गया था के आर आडवानी राशिक खन्ना रश्मिका मंदना को लीड रोल के लिए लिया जाने वाला था लेकिन उन सभी कंसिडरेशन के बीच में इस फिल्म का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया तब मालविका मोहनन को फिल्म का लीड रोल दिया गया था तो इस तरह से इस फिल्म की लीड कास्ट की कास्टिंग की गई थी बाद में तो अलग अलग एक्टर्स को कुछ अलग अलग काम के तहत इसमें लिया गया था और कुछ एक्टर्स ऐसे थे जो ऑलरेडी फिल्म के डायरेक्टर यानी कि लोकेश कनक राज के साथ उनकी पहले की फिल्मों में काम कर चुके थे और उसी वजह से वो इस फिल्म में भी देखने को मिले थे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म की पूजा सेरेमनी थी वो तीन अक्टूबर 2019 को स्टार्ट की गई थी जहां पे कास्ट और क्रू और जिस तरह से जितने भी मेंबर थे फिल्म के साथ जुड़े हुए वहीं पे उस इवेंट में प्रेजेंट थे चार अक्टूबर से इस फिल्म को एक ट्विटर हैंडल के थ्रू रत्ना कुमार ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के और क्रो राइटर के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हुए सा एक अनाउंसमेंट दिया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग अलग अलग शेड्यूल के तहत कम्प्लीट करवाया हुआ था फिल्म का पहला शेड्यूल चेन्नई में रखा गया था जिसको पंद्रह दिनों में कम्प्लीट किया हुआ था दूसरा शेड्यूल था वो करीबन बीस दिनों का था जिसको दिल्ली में सेट किया हुआ था जिसको नवंबर 2019 में शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स नॉर्थ कैंपस में इस फिल्म को शूट किया गया था और इसके अलावा फिल्म को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर शूट किया गया था जहाँ पे शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में विजय सेतुपति और तलपते विजय के बीच में जो सीन फीचर्स हुए वहाँ पे शीट किया शूट किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म का डेली डेली शेड्यूल को भी कंप्लीट करवाया गया था जहाँ पे करीबन इस फिल्म को अलग अलग शेड्यूल के तहत कंप्लीट करवाया था और उसके बाद में इस फिल्म को फरवरी 2020 तक करीबन एक दिन वर्किंग डेज़ के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था तो इस तरह से फिल्म के शूटिंग में इतना लंबा समय लगा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को जब कुछ पोर्सन थे कुछ ऐसी चीज़ें थी उसको पेज वर्क के साथ कंप्लीट करवाया जिस वजह से फिल्म के एक सौ उनतीस दिन में थोड़े दिन और बड़े हुए थे उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया हुआ जहाँ पे मार्च 2020 तक तो कोविड 19 की वजह से काम रुक चुका था धीरे धीरे बाद में फिर से काम स्टार्ट किया गया रिज्यूम किया गया उसके बाद में जैसे थोड़ा बहुत मार्केट ओपन हुआ तब इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करवाया हुआ था तब 50 परसेंट ऑक्यूपेंसी थी कई जगह पे थिएटर क्लोज थे उसके बावजूद जिस तरह से फिल्म ने ओपनिंग ली हुई थी वो काफ़ी धमाकेदार थी जिस वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रन ले गई थी और लोगों को पसंद भी आई थी फिल्म अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो उससे पहले मैं आपको इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट साथ ही में इस फिल्म की स्टार कास्ट में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर कराए उसके बारे में बता देता हूं इस फिल्म के म्यूजिक के राइट सोनी म्यूजिक इंडिया ने खरीदे हुए हैं वहीं पर उन्होंने सभी वर्जन के राइट्स अच्छे खासे प्राइज में खरीदे हुए दो हजार उन्नीस में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था जिसके म्यूजिक की कंपोजिशन अनिरुद्ध रविचंदन ने की हुए गानों के और बैकग्राउंड स्कोर दोनों की पंद्रह मार्च दो हज़ार बीस तक सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के गानों को अलग अलग स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाया गया था इस फिल्म में टोटल आठ गाने तमिल वर्जन में दूसरे सभी वर्जन है वहाँ पे भी आठ आठ गाने सुनने को मिलेंगे हिंदी तेलुगु कन्नडा मलयालम सभी वर्जन में जहाँ पे तमिल वर्जन की ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है वाथी कमिंग

जो कंपोज किया हुआ था निरुद्ध रविचंद्र ने पोला कुत्तो पारा पारा करके जो गाना था उसके लिरिक्स लिखे विष्णु इडावन ने और सिंगर थे संतोष नारायण छठा गान सातवा गाना जो था पोना पोगत्तम जिसके लिरिक्स लिखे विष्णु इडावन ने और सिंगर थे सी बी बी ने आठवां गाना वाथी रेड जिसके लिरिक्स लिखे अरिवू ने और सिंगर थे अरिवू और अनिरुद्ध रविचंदर तो इस तरह से टोटल आज गाने थे जिसको कंपोज किया था अनिरुद्ध रविचंदर ने जिसको फिलहाल में आप यूट्यूब पे सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अलग अलग लैंग्वेज में सुन सकते हो जहाँ पे हिंदी वर्जन की ट्रैक लिस्टिंग करे तो पहला गाना है मास्टर कमिंग दूसरा गाना है वो मुस्कुराट आंखों का तीसरा गाना है छोटी स्टोरी चौथा गाना है कैद करना पांचवा गाना है बेस्ट ऑफ मास्टर इंस्ट्रूमेंटल छठा गाना है ढोलतास बजा बजा सातवा गाना है रोशनी से भर उठा और आठवा गाना है मास्टर रेड तो इस तरह से इतने गाने वो आपको हिंदी वर्जन में भी सुनने को मोल मिलेंगे सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तो इस तरह से इन गानों को यूट्यूब पे फ्री में ऑफिशियली आप इंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो इस फिल्म में काफ़ी बड़ी कास्ट है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रोल बता देता हूँ विजय ने जेडी डी दुरारई राज यानी कि जॉन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक अल्कोहलिक कॉलेज प्रोफेसर है जो अपने फ्रेंड्स और साथी में स्टूडेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इसके अलावा विजय सेतुपति तो भवानी के रोल में दिखाई देंगे जो एक नोटोरियस गैंगस्टर है जो एक रूथलेस एक काम करता हुआ नजर आ रहा है क्रिमिनल एक्टिविटीज वो भी जेल के अंदर करता हुआ नजर आ रहा है वहीं पे उनका यंगर वर्जन है वो महेंद्रन ने प्ले किया हुआ यंग भवानी का और मालविका मोहन चारूलता चारू प्रसाद के रोल में दिखाई देंगे शांतनु भाग्यराज ने भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है एंड्रे जेरेमिया को वाती का रोल वनाती का रोल दिया गया है जो जेडी की फ्रेंड है और आरकरी एक्सपर्ट है वहीं पर अर्जुन दास देखने को मिलेंगे दास के रोल में गौरी जी किशन को सविता का रोल दिया गया था नजर ने कॉलेज फाउंडर का रोल प्ले किया हुआ था अलागर पेलोमल ने कॉलेज प्रिंसिपल का रोल प्ले किया गया था इस तरह से इतने आर्टिस्ट थे जो कुछ इंपोर्टेंट किरदार अलग अलग प्ले करते हुए नजर आए थे अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी में चेरी यानी कि थलपते विजय एक एल्कोहलिक प्रोफेसर बताया हुआ है जो कॉलेज के जो हेड से उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा हेट करते आ रहे हैं उनको और इसके अलावा वो कोई भी रोल फॉलो नहीं करता है और वो पर स्टूडेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है उनके हक के लिए काफ़ी ज़्यादा बात करता हुआ नजर आ रहा है लेकिन कुछ एक ऐसा बड़ा इश्यू होता है जिसकी वजह से उसको करेक्शन सेंटर भेज दिया जाता है कुछ यंग क्रिमिनल बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए दूसरी तरफ करेक्श करेक्शन जो सेंटर है वो मैनेज करता है भवानी यानी कि विजय सेतुपति जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इनलीगल एक्टिविटी करता हुआ नजर आ रहा है जो पुलिस वहाँ पे तैनात है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है और वो बच्चों को लेकर कुछ क्रिमिनल uh, एक्टिविटी का तोा नजर आ रहा है तो अब किस तरह से जे को इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जब ये सभी चीज़ें पता चलेगी तो जे किस तरह से भवानी के सामने खड़ा रहता है वो एक ट्रेंडेड ट्रेडेड गे, गैंगस्टर है तो उसके सामने कैसा खड़ा रहता है किस तरह से उन सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगा और भवानी को किस तरह से वो ख़त्म करता है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है जहाँ पे फिल्म का जो सेटअप किया गया था वो काफ़ी बढ़िया था स्टोरी आइडिया अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे विजय के किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ था काफ़ी अच्छे खासे स्कोप के साथ क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे एक अच्छा खासा स्कोप क्रिएट किया था मास मिन सीन के लिए जिसको काफी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सेट किया हुआ है थल विजय इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया हैंडसम नजर आ रहे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी उनका डांस परफॉर्मेंस जिस तरह से वो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी शानदार है इसके अलावा दूसरी तरफ एक और बड़े एक्टर आपको विलन के रोल में दिखाई देंगे यानी कि विजय सेतुपति उनका रोल भी डायरेक्टर ने उसी लेवल पे उसी कदर के साथ लिखा हुआ है जहाँ पे एक उनको एक लोकल लुक दिया गया था जिसको उन्होंने काफ़ी सुपर में वे मैनर में हैंडल किया हुआ है उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इंप्रेसिव है उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी टॉप क्लास देखने को मिलती है उनके जितने भी सीन क्रिएट हुए वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आते हैं जो आपको आसानी से स्क्रीन पर अट्रैक्ट करने के लिए जाने जाएंगे जहाँ पे उनकी डायलॉग डिलीवरी जो जिस तरह से वो डिलीवर करते जिस तरह से उनका एक फेशियल एक्सप्रेशन रहता है जिस तरह से वो पूरी तरह से वो कैरेक्टर हैंडल करते वो आपको प्रॉपर वे में इन्जॉयमेंट देने वाले हैं मालविका मोहनन को एक सिंपल नीट रोल दिया गया था जहाँ पे वो काफी बढ़िया रोल तरीके से इस रोल को निभा रही थी फिल्म का जो एक टर्निंग पॉइंट होता है वो की रोल उनके पास था जहाँ पे उन्होंने काफी बढ़िया काम किया हुआ है फाइट सीन पे दोनों लीड एक्टर्स के बीच में यानी कि विजय विजय सेतुपति के बीच में जिस तरह से क्रिएट की हुई है वो अमेजिंग है वहाँ पे कैमरा वर्क आर्ट डायरेक्शन जिस तरह से वो फाइट मास्टर ने सभी चीजों को कंपोज किया हुआ था जिस तरह से कोरियोग्राफी सेट की हुई थी एक्शन की वो बढ़िया थी कबड्डी सीन जिस तरह से विजय के साथ क्रिएट किया हुआ था फिल्म का इंटरवल बैंक जहाँ पे फोन कन्वर्जेशन सुनने को मिलती है विजय का जो इंट्रो दिखाया हुआ है फिल्म में इसके अलावा अनिरुद्ध अनिरुद्ध रविचंद्र का जो बीजीएम सुनने को मिलता है वो सभी चीज़ें फिल्म की वन ऑफ दी हाईलाइट पॉइंट में शामिल होती है फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो हीरो विलन के बीच में जो सीन दिखाए हुए वो काफ़ी ज़्यादा कम थे उसको और बेहतर वे में फर्स्ट और सेकंड हाफ सेकंड हाफ़ में ऐड किया जा सकता था करंट कंफनट्रेशन वाले सीन जितने बेहतर होते कि जितने ज़्यादा होते जितने अच्छे खासे तरीके से एग्जीक्यूट किए होते वो फिल्म को और बेहतर बना सकता था थलपते विजय और विजय सेतुपति सिर्फ फिल्म के क्लाइमेक्स में मिलते हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हैंडल किया है लेकिन वो सभी चीज़ें पहले ही ऐड कर देते तो फिल्म और बेहतर वे में हमारे सामने निखर के आ सकती थी इसके अलावा उन दोनों के जितने भी इंडिविजुअल सीन क्रिएट हुए जहाँ पे जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई हुई है वो सभी चीज़ें स्टोरी के हिसाब से सिंपल जा रही थी वहाँ पे प्रॉपर वे में कई चीज़ों को तो एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ है करेक्शन सेंटर इस फिल्म का विलन है वो जिस तरह से ओवरटेकन कर लेता है वो किस तरह से करता है वो सभी चीज़ें नहीं बताई हुई है इसके अलावा फिल्म को करीबन बीस पच्चीस मिनट जितना छोटा किया जा सकता था क्योंकि ऐसे कुछ सीन्स थे जिसको हटा देते तो फिल्म की कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था लोकेश कनक राज ने जिस तरह से क्राइम ड्रामा को शोकेश किया हुआ है वो काफी ग्रेटी मैनर में उन्होंने दिखाया हुआ था स्टार वेली को भी काफी ध्यान में रखते हुए सभी चीजों को उन्होंने नेरेट किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने जो कहानी दिखाई वो जरूर थोड़ी प्रिडिक्टेबल नजर आएगी लेकिन जिस तरह से स्टार वेली को जस्टिफाई किया हुआ है थ्रिलिंग मोमेंट को जिस तरह से कहानी का आइडिया था वो सभी चीज़ें उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल की हुई है फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो टॉप नॉच प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिलती है अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है फिल्म में जो फिल्म की हर एक फ्रेम में नजर आता है फिल्म का आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था फिल्म के सभी एक्टर को जो स्टाइलाइज किया हुआ था वो अच्छा था लाइटिंग इफेक्ट बढ़िया थी कलर ग्रेडिंग कलर टोन अच्छा था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट थी फिल्म को और छोटा किया जा सकता था कैमरा वर्क फिल्म का काफ़ी शानदार था चेहल का सेटअप जो शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी रियलिस्टिक मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा हिंदी डबिंग के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के लिरिक्स से वो डिसेंट वे में लिखे हुए थे प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म के अच्छी तरह से देखने को मिलती है कॉलेज का सेटअप म्यूजिक काफ़ी टॉप टॉपलास टॉप क्लास का सुनने को मिलता है सॉन्ग्स बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अव्वल दर्जे के थे जो फिल्म को अच्छी खासी तरीके से हेल्प कर रहा था इस फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म को हैंडल किया हुआ है जहाँ पे फिल्म के कुछ इमोशंस आपको कनेक्ट करेंगे वहीं पे कुछ इमोशनल सीन्स आपको थोड़े वीक नज़र आ सकते हैं इस फिल्म में विजय का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है जिस तरह से एक्शन सिक्वेंस से जो स्टोरी का आइडिया था जो एक मैसेज था उसको बढ़िया तरीके से उन्होंने डिलीवर किया हुआ है हालाँकि दोनों लीड एक्टर मेन प्रोटोकोनिस और मेन एंटागोनिस के बीच में अगर थोड़े और कन्फ्रेंटेशन वाले सीन क्लाइमैक्स के पहले डाल देते तो और बेहतर रहता ओवरऑल एक अच्छी खासी एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जिसे ज़रूर देखा जा सकता है जहाँ पे इस फिल्म में आपको थलपते विजय और विजय सेतुपति दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बो देखने को मिलता है हीरो विलन का जो एक टग ऑफ वॉर देखने को मिलता है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा फिल्म की कहानी पसंद आएगी उसके ट्रीटमेंट पसंद आएगी स्टोरी वाइज ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी थोड़ी लेंदी लग सकती है अदरवाइज अगर उस चीज़ को इग्नोर करते हो तो फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है काफ़ी सारी चीज़ें जो ज़रूर पसंद आ सकती है जिस वजह से इस फिल्म को जरूर देखा जा सकता है अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो मास्टर को पेन इंडिया लेवल पे रिलीज किया गया था वैसे तो पहले जब फिल्म को अनाउंस किया गया था तब ये फिल्म सिर्फ तेलुगु वर्द सॉरी सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज होने वाली थी उसके बाद में तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन को एड किया गया था लेकिन जब फाइनली रिलीज किया गया तब मास्टर फिल्म को तेलुगु कन्नडा हिंदी डब्ड वर्जन के साथ तमिल मेन लैंग्वेज में रिलीज किया गया था टोटल चार लैंग्वेजेस में जहाँ पे इस फिल्म के मलयालम वर्जन को करीबन काफ़ी लंबे समय के बाद ओ पे डायरेक्ट प्रीमियर करवाया हुआ था यानी कि इस फिल्म को डब्ड वर्ज़न को लेट रिलीज़ करवाया गया था तो इस तरह से टोटल पाँच लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे फिल्म का बजट एक करोड़ था और यू सर्टिफिकेट के साथ तेरह जनवरी दो को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे हिंदी वर्जन में इस फिल्म को विजय दी मास्टर नाम दिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी रिमेक राइट्स भी बेचे गए लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं मिली है अदरवाइज इस फिल्म का जो हिं, हिंदी डॉप्ट वर्जन है विजय दी मास्टर उसको बिफोर इमोशन पिक्चर्स वालों ने डॉप्ट करके रिलीज करवाया हुआ था वही इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर थे वहीं पे सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने इस फिल्म को तमिल वर्जन में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को आई एम डी पे करीबन चौहत्तर हजार वोट मिले हुए थे जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से टू पॉजिटिव रिस्पांस मिला था ज्यादातर क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था वहीं पर ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी राइट्स के ऊपर तो फिल्म को तो काफ़ी बड़ी रकम में बेचा गया था जहाँ पे फिल्म के डबिंग राइट्स ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स सैटेलाइट राइट्स म्यूजिक राइट डिजिटल राइट्स सभी राइट्स को मिलाकर करीबन 200 करोड़ में इस फिल्म को बचा गया बेचा गया था प्री रिलीज बिजनेस 200 करोड़ का था वो कोविड 19 में ऐसा करने वाली एक पहली फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का थिएट्रिकल जो प्री रिलीज बिजनेस है वो करीबन एक करोड़ तीस लाख का शून्य में आया था जहाँ पे मास्टर फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था एस ललित कुमार ने सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को तमिलनाडु में काफ़ी बढ़िया लेवल पे रिलीज़ किया हुआ था वहीं पे मलयालम वर्जन केरला में इस फिल्म को पृथ्वीराज सुकुमार ने पृथ्वीराज प्रोडक्शन के नीचे अपने बैनर के नीचे रिलीज करवाया हुआ था इस तरह से धीरज इंटरप्राइज इंटर्प्रा, और महेश कोनेरू ने मिलकर यानी कि ईस्ट कोस्ट प्रोडक्शन ने मिलकर इस फिल्म के कर्नाटक के लिए डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे हुए थे और आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के लिए और वहाँ पर इस फिल्म को रिलीज किया गया था उनके तहत वहाँ पर भी बढ़िया स्क्रीनिंग मिली हुई थी यू यूनाइटेड इंडिया एक्सपोर्ट्स और मालिक स्ट्रीम्स ने इस फिल्म को और के राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पे हिंदी वर्जन और नॉर्थ इंडिया के रिलीज के लिए जो राइट्स थे वो भी फॉर इमोशन पिक्चर्स को दिए गए थे जिन्होंने एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई हुई थी ये फिल्म फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी के साथ रिलीज की गई थी जहाँ पे लोटस लो फाइव स्टार बोट डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स इन मलेशिया और सिंगापुर तो इस तरह से अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के तहत इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म ने टीज़र ट्रेलर ने कहीं बढ़िया रिकॉर्ड क्रिएट किए थे फिल्म का मार्केट में बस बढ़िया था जिसके चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया ओपनिंग ली हुई थी और उसी के चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने में कामयाब रही थी जहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पे पहले दिन करीबन पच्चीस करोड़ की ओपनिंग ली हुई थी उसके बाद में फिल्म जिस तरह से एक डिसेंट मिक्स रिस्पॉन्स मिला था तब फिल्म ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया है जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड जो ग्रोस कलेक्शन है तीन दिनों का वो करीबन एक सौ दस करोड़ का करके दिखाया हुआ था और ये कोविड के समय के बाद आने वाली पहली ऐसी फिल्म थी जिसने सौ करोड़ का मार्क हासिल किया हुआ था और तीन दिनों में करीबन पचास करोड़ का कलेक्शन तो तमिलनाडु से भी निकला हुआ था और इस फिल्म का जो फाइनल रन निकल के आया था वो करीबन एक सौ पैंतालीस करोड़ सिर्फ तमिलनाडु से था और ये दो हज़ार इक्कीस की तमिलनाडु की वन ऑफ़ द हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी साबित हुई थी और इंडिया की भी वन ऑफ द हाएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे तब अन्नाथा अनाथे फिल्म को भी इस फिल्म ने सरप्राइज उसके बाद इस फिल्म को सरप्राइज़ किया था अनाथे फिल्म ने रजनीकांत जी की फिल्म थी डेढ़ करोड़ उस फिल्म ने कलेक्ट किए हुए थे इस फिल्म का जो पहले वीक का कलेक्शन था वो वर्ल्ड वाइड करीबन एक 140 करोड़ का था नौ दिनों में इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया धमाका मचा दिया था उसके बाद में डे बाय डे इस फिल्म को काफ़ी अच्छा खासा का रिस्पांस मिला और उसी के चलते इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और बाद में इस फिल्म ने 135 करोड़ के बजट के सामने 250 से 300 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया उसके अलावा सैटेलाइट ओ टी टी को बेचते हुए फिल्म ने काफ़ी बढ़िया लेवल पर प्रॉफिट करके दिया हुआ था और मेकर्स ने तो इस फिल्म से काफ़ी अच्छा खासा का प्रॉफ़िट हासिल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के जो ओ और सेटेलाइट राइट्स है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म को बेचे गए थे जहाँ पर इस फिल्म के जो डिजिटल राइट्स है वो अमेज़न प्राइम वीडियो के पास करीबन बावन करोड़ में बेचे गए थे और इस फिल्म के सभी वर्ज़न को वहीं पे प्रीमियर करवाया हुआ था और इसके अलावा हिंदी वर्जन था उसके राइट्स जी फाइव को बेचे गए थे और इसी के साथ इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स वो तमिल तमिल लैंग्वेज के लिए और दूसरी साउथ इंडियन लैंग्वेज के लिए सन टी नेटवर्क तो को बेचे गए थे करीबन बत्तीस करोड़ में टीवी प्रीमियर सन टीवी के ऊपर तमिल लैंग्वेज में इस फिल्म को क्रिएट किया तमिल लैंग्वेज के साथ साथ दूसरी लैंग्वेज में प्रीमियर करवाया गया था मलयालम वर्जन को सूर्या टीवी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स से ओ नेटवर्क ने खरीदे हुए थे इस वजह से जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म को विजय दी मास्टर के नाम से प्रीमियर करवाया था वहीं पे जी फाइव के ऊपर इस फिल्म को विथिंगली सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ था तो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम ये चार वर्जनस में चार साउथ इंडियन लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट राइट्स है वो सन टी वी नेटवर्क के पास है तो ये सभी साउथ इंडियन लैंग्वेज में अलग अलग टेलीविजन चैनल जैसे कि सन टी वी या और साथ ही में सूर्या टी वी जैसी चैनल के ऊपर इस फिल्म को तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा वहीं पे इस फिल्म को आप वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो इसके अलावा हिंदी डब्ड वर्जन के राइड्स है वो जी नेटवर्क के पास है जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी में वैसे तो बिफोर इमोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उन्होंने जी नेटवर्क को इस फिल्म के ओ और सैटेलाइट राइट्स बेचे हुए थे जहाँ पे विजय दी मास्टर के नाम के साथ इस फिल्म को हिंदी वर्जन में जी सिनेमा के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था तो जी सिनेमा और जी सिनेमा आई चैनल के ऊपर ये फिल्म आपको विजय दी मास्टर नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म को पे जी के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सन इस फिल्म को विजय दी मास्टर नाम के साथ हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से मास्टर या तो विजय दी मास्टर फिल्म आप तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो मास्टर जो दो हजार इक्कीस की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में विजय दी मास्टर नाम से डब करवाया गया है वहीं पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो लोकेश कनक का था उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है वो लोकेश कनक ने खुद की हुई थी उसमें जो डायलॉग्स है वो लोकेश कनक राज रत्ना कुमार पवन पार्थिवन ने मिलकर लिखे हुए है वहीं पे हिंदी वर्जन के डायलॉग्स शिव गोपाल कृष्णा ने लिखे हुए है इसके अलावा इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन है वो लोकेश कनक ने खुद किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है एस जेबीआर ब्रिटो ने और एस जेवर ब्रिटो ने इस फिल्म को काफ़ी बड़े बजट के साथ करीबन एक सौ पैंतीस करोड़ के बजट के साथ अपने प्रोडक्शन कंपनी यानी कि एक्स बी फिल्म क्रिएटर्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने जिन्होंने इस फिल्म को कोविड के टाइम पे काफ़ी बड़ी रिलीज दिलवाई हुई थी जहाँ पर इस फिल्म को Uh, करीबन यूएस सर्टिफिकेट के साथ एक मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज़ किया गया था उसके बावजूद फिल्म ने फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी होने के बावजूद काफ़ी धमाका मचाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विजय इसके अलावा विजय सेतुपति एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करें मेन एंटागोनिस्ट का साथ ही में मालविका मोहन है जो विजय के अपोजिट कास्ट की गई है के साथ शांतनु भाग्यराज

कुमार वहीं पे लिंटू रॉय दीनू लल्लू उद्याराज पुवैर श्रीमाव श्रीमन संजीव श्रीनाथ प्रेम कुमार नागेंद्र प्रसाद संगीता वी मास्टर भागवास और वसंती ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे कुछ ने इसमें से जो रोल प्ले किए हुए उनके रोल डिलीट हो चुके हैं जिसे कि सूर्खा वानी ने आदिकी मां का रोल प्ले किया हुआ था उनका सीन ही फिल्म से हट चुका था वहीं पे कुछ ने सिर्फ गानों में दिया हुआ है तो इतनी ये फिल्म की मेन कास्ट है जिन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत कर लेते हैं सिनेमाटोग्राफी सत्यान सूर्या ने किए हुए है एडिटिंग फिलोमिन राज ने किए हुए म्यूजिक दिया हुआ है अनुरुद रविचंदर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के गाने फिल्म का साउंड ट्रेक काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था जहां पे सभी वर्जन्स में यह साउंड ट्रैक कमाल कर गया था इस फिल्म के गानों को पांच लैंग्वेज में रिक्रिएट किया गया था सोनी म्यूजिक के पास इस फिल्म के सभी वर्जनस के राइट्स थे जिन्होंने काफ़ी बड़ी रकम दे इस फिल्म के गानों के राइट्स खरीदे हुए थे अब हम बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो इस फिल्म को 2019 में बिगिल के बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करवा दिया गया था जहाँ पे फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाद में करवाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 120 दिनों के कॉल सेट के साथ बनाने का फैसला लिया गया था जहाँ पे इस फिल्म को बनाते समय बताया जा रहा था कि केती फिल्म के साथ शायद ये फिल्म कनेक्ट हो सकती है लेकिन बाद में पता चला कि मास्टर फिल्म अलग है केती के साथ जो फिल्म कनेक्ट करने वाले थे वो विक्रम थी इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग में काफ़ी सारे अलग अलग एक्टर्स को लिया गया था जहाँ पे इस फिल्म में अर्जुन है वो मेन इंटागोनिस का रोल प्ले करने वाले थे अर्जुन सरजा लेकिन बाद में ऑफिशियली जब अनाउंसमेंट हुई तब विजय सेतुपति को लिया गया था के आर आडवानी राशिक खन्ना रश्मिका मंदना को लीड रोल के लिए लिया जाने वाला था लेकिन उन सभी कंसिडरेशन के बीच में इस फिल्म का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया तब मालविका मोहनन को फिल्म का लीड रोल दिया गया था तो इस तरह से इस फिल्म की लीड कास्ट की कास्टिंग की गई थी बाद में तो अलग अलग एक्टर्स को कुछ अलग अलग काम के तहत इसमें लिया गया था और कुछ एक्टर्स ऐसे थे जो ऑलरेडी फिल्म के डायरेक्टर यानी कि लोकेश कनक राज के साथ उनकी पहले की फिल्मों में काम कर चुके थे और उसी वजह से वो इस फिल्म में भी देखने को मिले थे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म की पूजा सेरेमनी थी वो तीन अक्टूबर 2019 को स्टार्ट की गई थी जहां पे कास्ट और क्रू और जिस तरह से जितने भी मेंबर थे फिल्म के साथ जुड़े हुए वहीं पे उस इवेंट में प्रेजेंट थे चार अक्टूबर से इस फिल्म को एक ट्विटर हैंडल के थ्रू रत्ना कुमार ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के और क्रो राइटर के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हुए सा एक अनाउंसमेंट दिया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग अलग अलग शेड्यूल के तहत कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म का पहला शेड्यूल चेन्नई में रखा गया था जिसको पंद्रह दिनों में कम्प्लीट किया हुआ था दूसरा शेड्यूल था वो करीबन बीस दिनों का था जिसको दिल्ली में सेट किया हुआ था जिसको नवंबर 2019 में शूटिंग करके कंप्लीट करवाया हुआ था श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स नॉर्थ कैंपस में इस फिल्म को शूट किया गया था और इसके अलावा फिल्म को अलग अलग लोकेशंस के ऊपर शूट किया गया था जहाँ पे शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में विजय सेतुपति और तलपते विजय के बीच में जो सीन फीचर्स हुए वहाँ पे शूट किया शूट किया गया था और उसके बाद में इस फिल्म का डेली डेली शेड्यूल को भी कंप्लीट करवाया गया था जहाँ पे करीबन इस फिल्म को अलग अलग शेड्यूल के तहत कंप्लीट करवाया था और उसके बाद में इस फिल्म को फरवरी 2020 तक करीबन एक दिन वर्किंग डेज के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था तो इस तरह से फिल्म के शूटिंग में इतना लंबा समय लगा हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को जब कुछ पोर्सन थे कुछ ऐसी चीज़ें थी उसको पेज वर्क के साथ कंप्लीट करवाया हुआ था जिस वजह से फिल्म के एक दिन में थोड़े दिन और बड़े हुए थे उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया हुआ जहाँ पे मार्च 2020 तक तो कोविड 19 की वजह से काम रुक चुका था धीरे धीरे बाद में फिर से काम स्टार्ट किया गया रिज्यूम किया गया उसके बाद में जैसे थोड़ा बहुत मार्केट ओपन हुआ तब इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करवाया हुआ था तब 50 परसेंट ऑक्यूपेंसी थी कई जगह पे थिएटर क्लोज थे उसके बावजूद जिस तरह से फिल्म ने ओपनिंग ली हुई थी वो काफ़ी धमाकेदार थी जिस वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा रन ले गई थी और लोगों को पसंद भी आई थी फिल्म अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो उससे पहले मैं आपको इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट साथ ही में इस फिल्म की स्टार कास्ट में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं उसके बारे में बता देता हूं इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स सोनी म्यूज़िक इंडिया ने खरीदे हुए हैं वहीं पे उन्होंने सभी वर्जन के राइट्स अच्छे खासी प्राइज में खरीदे हुए दो हज़ार में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था जिसके म्यूज़िक की कंपोजिशन अनिरुद्ध रविचंदन ने की हुई गानों की और बैकग्राउंड स्कोर दोनों की पंद्रह मार्च दो तक सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के गानों को अलग अलग स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाया गया था इस फिल्म में टोटल आठ गाने तमिल वर्जन में दूसरे सभी वर्जन है वहाँ पे भी आठ आठ गाने सुनने को मिलेंगे हिंदी तेलुगु कन्नडा मलयालम सभी वर्जन में जहाँ पे तमिल वर्जन की ट्रैक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है वाथी कमिंग जो बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था जिसके लिरिक्स गना बालाचंद्रन ने लिखे हुए थे सिंगर गना बालाचंद्रन और अनिरुद्ध रविचंद्र थे वहीं पे दूसरा गाना अंधाकन्ना पत्थकला जिसके लिरिक्स विघ्न सिवान ने लिखे हुए थे और सिंगर थे युवान शंकर तीसरा गाना कुट्टी स्टोरी जिसके लिरिक्स लिखे थे अनुराज कामराज ने सिंगर थे विजय और अनिरुद्ध पाँचवा गाना था बेस्ट ऑफ मास्टर इंस्ट्रूमेंटल जो कंपोज किया हुआ था निरुद्ध रविचंद्र ने पोला कुत्तो पारा पारा करके जो गाना था उसके लिरिक्स लिखे विष्णु इडावन ने और सिंगर थे संतोष नारायण छठा गान सातवा गाना जो था पोना पोगत्तम जिसके लिरिक्स लिखे हुए विष्णु इडावन ने और सिंगर थे सी बी बी ने आठवां गाना वाथी रेड जिसके लिरिक्स लिखे हुए ने और सिंगर थे आरिव और अनिरुद्ध रविचंदर तो इस तरह से टोटल आज गाने थे जिसको कंपोज किया था अनिरुद्ध रविचंदर ने जिसको फिलहाल में आप यूट्यूब पे सोनी म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अलग अलग लैंग्वेज में सुन सकते हो जहाँ पे हिंदी वर्जन की ट्रैक लिस्टिंग करे तो पहला गाना है मास्टर कमिंग दूसरा गाना है वो मुस्कुराट आंखों का तीसरा गाना है छोटी स्टोरी चौथा गाना है कैद करना पांचवा गाना है बेस्ट ऑफ मास्टर इंस्ट्रूमेंटल छठा गाना है ढोलतास बजा बजा सातवा गाना है रोशनी से भर उठा और आठवा गाना है मास्टर रेड तो इस तरह से इतने गाने वो आपको हिंदी वर्जन में भी सुनने को मोल मिलेंगे सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तो इस तरह से इन गानों को यूट्यूब पे फ्री में ऑफिशियली आप इंजॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते हैं कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो इस फिल्म में काफ़ी बड़ी कास्ट है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रोल बता देता हूँ विजय ने जेडी डी दुराराई राज यानी कि जॉन का रोल प्ले किया हुआ है जो एक अल्कोहलिक कॉलेज प्रोफेसर है जो अपने फ्रेंड्स और साथी में स्टूडेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इसके अलावा विजय सेतुपति तो भवानी के रोल में दिखाई देंगे जो एक नोटोरियस गैंगस्टर है जो एक रूथलेस एक काम करता हुआ नजर आ रहा है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वो भी जेल के अंदर करता हुआ नजर आ रहा है वहीं पर उनका यंगर वर्जन है वो महेंद्रन ने प्ले किया हुआ यंग भवानी का और मालविका मोहन लता चारू प्रसाद के रोल में दिखाई देंगे शांतनु भाग्यराज ने भार्गव का रोल प्ले किया हुआ है एंड्रिया जेरेमिया को वाति का रोल वनाति का रोल दिया गया है जो जेडी की फ्रेंड है और आरकरी एक्सपर्ट है वहीं पर अर्जुन दास देखने को मिलेंगे दास के रोल में गौरी जी किशन को सविता का रोल दिया गया था नजर ने कॉलेज फाउंडर का रोल प्ले किया हुआ था अलागर पेलोमल ने कॉलेज प्रिंसिपल का रोल प्ले किया गया था इस तरह से इतने आर्टिस्ट थे जो कुछ इम्पोर्टेंट किरदार अलग अलग प्ले करते हुए नजर आए थे अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी में चेरी यानी कि थल विजय एक एल्कोहलिक प्रोफेसर बताया हुआ है जो कॉलेज के जो हेड से उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा हेट करते आ रहे हैं उनको और इसके अलावा वो कोई भी रोल फॉलो नहीं करता है और वो पर स्टूडेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है उनके हक के लिए काफ़ी ज्यादा बात करता हुआ नजर आ रहा है लेकिन कुछ एक ऐसा बड़ा इश्यू होता है जिसकी वजह से उसको करेक्शन सेंटर भेज दिया जाता है कुछ यंग क्रिमिनल बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए दूसरी तरफ करेक्श करेक्शन जो सेंटर है वो मैनेज करता है भवानी यानी कि विजय सेतुपति जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इनलीगल एक्टिविटी करता हुआ नज़र आ रहा है जो पुलिस वहाँ पे तैनात है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है और वो बच्चों को लेकर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी का तोा नजर आ रहा है तो अब किस तरह से जे को इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जब ये सभी चीज़ें पता चलेगी तो जे किस तरह से भवानी के सामने खड़ा रहता है वो एक ट्रेंडेड ट्रेडेड गैंगस्टर है तो उसके सामने कैसा खड़ा रहता है किस तरह से उन सभी चीज़ों को शॉर्ट आउट करेगा और भवानी को किस तरह से वो ख़त्म करता है वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है जहाँ पे फिल्म का जो सेटअप किया गया था वो काफ़ी बढ़िया था स्टोरी आइडिया अच्छी तरह से क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे विजय के किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ था वो काफ़ी अच्छे खासे स्कोप के साथ क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे एक अच्छा खासा स्कोप क्रिएट किया था मास मिन सीन के लिए जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने सेट किया हुआ है तलपते विजय इस फिल्म में काफी बढ़िया हैंडसम नजर आ रहे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डायलॉग डिलीवरी उनका डांस परफॉर्मेंस जिस तरह से वो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी शानदार है इसके अलावा दूसरी तरफ एक और बड़े एक्टर आपको विलन के रोल में दिखाई देंगे यानी कि विजय सेतुपति उनका रोल भी डायरेक्टर ने उसी लेवल पे उसी कदर के साथ लिखा हुआ है जहाँ पे एक उनको एक लोकल लुक दिया गया था जिसको उन्होंने काफ़ी सुपर में वे मैनर में हैंडल किया हुआ है उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी इंप्रेसिव है उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी टॉप क्लास देखने को मिलती है उनके जितने भी सीन क्रिएट हुए वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नजर आते हैं जो आपको आसानी से स्क्रीन पर अट्रैक्ट करने के लिए जाने जाएंगे जहाँ पे उनकी डायलॉग डिलीवरी जो जिस तरह से वो डिलीवर करते जिस तरह से उनका एक फेशियल एक्सप्रेशन रहता है जिस तरह से वो पूरी तरह से वो कैरेक्टर हैंडल करते वो आपको प्रॉपर वे में इन्जॉयमेंट देने वाले हैं मालविका मोहनन को एक सिंपल नीट रोल दिया गया था जहाँ पे वो काफी बढ़िया रोल तरीके से इस रोल को निभा रही थी फिल्म का जो एक टर्निंग पॉइंट होता है वो की रोल उनके पास था जहाँ पे उन्होंने काफी बढ़िया काम किया हुआ है क्लाइमेक फाइट सीन जहाँ पे दोनों लीड एक्टर्स के बीच में यानी कि विजय विजय सेतुपति के बीच में जिस तरह से क्रिएट की हुई है वो अमेजिंग है वहाँ पे कैमरा वर्क आर्ट डायरेक्शन जिस तरह से वो फाइट मास्टर ने सभी चीज़ों को कंपोज किया हुआ था जिस तरह कोरियो से कोरियोग्राफी सेट की हुई थी एक्शन की वो बढ़िया थी कबड्डी सीन जिस तरह से विजय के साथ क्रिएट किया हुआ था फिल्म का इंटरवल बैंक जहाँ पे फोन कन्वर्जेशन सुनने को मिलती है विजय का जो इंट्रो दिखाया हुआ है फिल्म में इसके अलावा अनिरुद्ध अनिरुद्ध रविचंद्र का जो बीजीएम सुनने को मिलता है वो सभी चीज़ें फिल्म की वन ऑफ दी हाईलाइट पॉइंट में शामिल होती है फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो हीरो विलन के बीच में जो सीन दिखाए हुए वो काफ़ी ज़्यादा कम थे उसको और बेहतर वे में फर्स्ट और सेकंड साफ सेकंड हाफ़ में एड किया जा सकता था करंट कंफनट्रेशन वाले सीन जितने बेहतर होते कि जितने ज़्यादा होते जितने अच्छे खास तरीके से एग्जीक्यूट किए होते वो फिल्म को और बेहतर बना सकता था थल विजय और विजय सेतुपति सिर्फ फिल्म के क्लाइमेक्स में मिलते हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हैंडल किया है लेकिन वो सभी चीज़ें पहले ही ऐड कर देते तो फिल्म और बेहतर वे में हमारे सामने निखर के आ सकती थी इसके अलावा उन दोनों के जितने भी इंडिविजुअल सीन क्रिएट हुए जहाँ पे जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई हुई है वो सभी चीज़ें स्टोरी के हिसाब से सिंपल जा रही थी वहाँ पे प्रॉपर वे में कई चीज़ों को तो एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ है करेक्शन सेंटर इस फिल्म का विलन है वो जिस तरह से ओवरटेकन कर लेता है वो किस तरह से करता है वो सभी चीज़ें नहीं बताई हुई है इसके अलावा फिल्म को करीबन बीस पच्चीस किया जा सकता था क्योंकि ऐसे कुछ सीन्स थे जिसको हटा देते तो फिल्म की कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था लोकेश कनक राज ने जिस तरह से क्राइम ड्रामा को सोकेश किया हुआ है वो काफी ग्रेटी मैनर में उन्होंने दिखाया हुआ था स्टार वेली को भी काफी ध्यान में रखते हुए सभी चीजों को उन्होंने नेरेट किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने जो कहानी दिखाई वो जरूर थोड़ी प्रिडिक्टेबल नजर आएगी लेकिन जिस तरह से स्टार वेली को जस्टिफाई किया हुआ है थ्रिलिंग मोमेंट को जिस तरह से कहानी का आइडिया था वो सभी चीज़ें उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल की हुई है फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो टॉप नॉच प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिलती है अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है फिल्म में जो फिल्म के हर एक फ्रेम में नज़र आता है फिल्म का आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था फिल्म के सभी एक्टर को जो स्टाइलाइज किया हुआ था वो अच्छा था लाइटिंग इफेक्ट बढ़िया थी कलर ग्रेडिंग कलर टोन अच्छा था एडिटिंग फिल्म की डिसेंट थी फिल्म को और छोटा किया जा सकता था कैमरा वर्क फिल्म का काफ़ी शानदार था चहल का सेटअप जो शोकेस किया हुआ है वो काफ़ी रियलिस्टिक मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा हिंदी डबिंग के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है फिल्म के लिरिक्स से वो डिसेंट वे में लिखे हुए थे प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म के अच्छी तरह से देखने को मिलती है कॉलेज का सेटअप म्यूजिक काफ़ी टॉप टॉपलास टॉप क्लास का सुनने को मिलता है सॉन्ग्स बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अवल दर्जे के थे जो फिल्म को अच्छी खासी तरीके से हेल्प कर रहा था इस फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनक ने काफ़ी बढ़िया तरीके से फिल्म को हैंडल किया हुआ है जहाँ पे फिल्म के कुछ इमोशंस आपको कनेक्ट करेंगे वहीं पे कुछ इमोशनल सीन्स आपको थोड़े वीक नजर आ सकते हैं इस फिल्म में विजय का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है जिस तरह से एक्शन सिक्वेंस से जो स्टोरी का आइडिया था जो एक मैसेज था उसको बढ़िया तरीके से उन्होंने डिलीवर किया हुआ है हालाँकि दोनों लीड एक्टर मेन प्रोटोकोनिस और मेन एंटागोनिस के बीच में अगर थोड़े और कन्फ्रेंटेशन वाले सीन क्लाइमैक्स के पहले डाल देते तो और बेहतर रहता ओवरऑल एक अच्छी खासी एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जिसे जरूर देखा जा सकता है जहाँ पे इस फिल्म में आपको थल पते विजय और विजय सेतुपति दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बो देखने को मिलता है हीरो विलन का जो एक टग ऑफ वॉर देखने को मिलता है वो आपको जरूर पसंद आएगा फिल्म की कहानी पसंद आएगी उसके ट्रीटमेंट पसंद आएगी स्टोरी वाइज ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी थोड़ी लेंदी लग सकती है अदरवाइज अगर उस चीज़ को इग्नोर करते हो तो फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है काफ़ी सारी चीज़ें जो ज़रूर पसंद आ सकती है जिस वजह से इस फिल्म को जरूर देखा जा सकता है अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो मास्टर को पेन इंडिया लेवल पे रिलीज किया गया था वैसे तो पहले जब फिल्म को अनाउंस किया गया था तब ये फिल्म सिर्फ तेलुगु वर्द सॉरी सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज़ होने वाली थी उसके बाद में तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन को ऐड किया गया था लेकिन जब फाइनली रिलीज किया गया तब मास्टर फिल्म को तेलुगु कन्नडा हिंदी डब्ड वर्जन के साथ तमिल मेन लैंग्वेज में रिलीज किया गया था टोटल चार लैंग्वेजेस में जहाँ पे इस फिल्म के मलयालम वर्ज़न को करीबन काफ़ी लंबे समय के बाद ओ टी पे डायरेक्ट प्रीमियर करवाया हुआ था यानी कि इस फिल्म को डब्ड वर्ज़न को लेट रिलीज़ करवाया गया था तो इस तरह से टोटल पाँच लैंग्वेजेस में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे फिल्म का बजट एक सौ पैंतीस करोड़ था और यू सर्टिफिकेट सा के साथ तेरह जनवरी दो हज़ार इक्कीस को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म को विजय दी मास्टर नाम दिया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी रिमेक राइट्स भी बेचे गए लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं मिली है अदरवाइज इस फिल्म का जो हिं, हिंदी डॉप्ट वर्जन है विजय दी मास्टर उसको बिफोर इमोशन पिक्चर्स वालों ने डॉप्ट करके रिलीज करवाया हुआ था वही इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर थे वहीं पे सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने इस फिल्म को तमिल वर्जन में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को आई एम पे करीबन चौहत्तर हजार वोट मिले हुए थे जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पांस मिला था ज्यादातर क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था वहीं पर ऑडियंस की तरफ से काफी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी टी सैटेलाइट राइट के ऊपर तो फिल्म को तो काफी बड़ी रकम में बेचा गया था जहाँ पे फिल्म के डबिंग राइट्स ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स सैटेलाइट राइट्स म्यूजिक राइट डिजिटल राइट्स सभी राइट्स को मिलाकर करीबन 200 करोड़ में इस फिल्म को बचा गया बेचा गया था प्री रिलीज बिजनेस 200 करोड़ का था वो कोविड 19 में ऐसा करने वाली एक पहली फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का थिएट्रिकल जो प्री रिलीज है बिजनेस है वो करीबन एक करोड़ तीस लाख का शून्य में आया था जहाँ पे मास्टर फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था एस, एस ललित कुमार ने सेवन स्क्रीन स्टूडियो के तहत जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को तमिलनाडु में काफ़ी बढ़िया लेवल पे रिलीज़ किया हुआ था वहीं पे मलयालम वर्जन केरला में इस फिल्म को पृथ्वीराज सुकुमार ने पृथ्वीराज प्रोडक्शन के नीचे अपने बैनर के नीचे रिलीज करवाया हुआ था इस तरह से धीरज इंटरप्रा इंटरप्राइज और महेश कोनेरू ने मिलकर यानी कि ईस्ट कोस्ट प्रोडक्शन ने मिलकर इस फिल्म के कर्नाटक के लिए डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे हुए थे और आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के लिए और वहाँ पे इस फिल्म को रिलीज किया गया था उनके तहत वहाँ पे भी बढ़िया स्क्रीनिंग मिली हुई थी यू यूनाइटेड इंडिया एक्सपोर्ट्स और मालिक स्ट्रीम्स ने इस फिल्म को और ओवरसीज़ के राइट्स खरीदे हुए थे वहीं पे हिंदी वर्जन और नॉर्थ इंडिया के रिलीज़ के लिए जो राइट्स थे वो भी इमोशन पिक्चर्स को दिए गए थे जिन्होंने एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई हुई थी ये फिल्म फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी के साथ रिलीज़ की गई थी जहाँ पे लोस्ट लोटस फाइव स्टार बोर्ड उधर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स इन मलेशिया और सिंगापुर तो इस तरह से अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के तहत इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था फिल्म ने टीज़र ट्रेलर ने कहीं बढ़िया रिकॉर्ड क्रिएट किए थे फिल्म का मार्केट में बस बढ़िया था जिसके चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया ओपनिंग ली हुई थी और उसी के चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने में कामयाब रही थी जहाँ पे इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पहले दिन करीबन 25 करोड़ की ओपनिंग ली हुई थी उसके बाद में फिल्म जिस तरह से एक डिसेंट मिक्स रिस्पांस मिला था तब फिल्म ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया है जहाँ पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड वाइड जो ग्रोस कलेक्शन है तीन दिनों का वो करीबन एक सौ दस करोड़ का करके दिखाया हुआ था और ये कोविड के समय के बाद आने वाली पहली ऐसी फिल्म थी जिसने सौ करोड़ का मार्क हासिल किया हुआ था और तीन दिनों में करीबन पचास करोड़ का कलेक्शन तो तमिलनाडु से भी निकला हुआ था और इस फिल्म का जो फाइनल रन निकल के आया था वो करीबन एक सौ पैंतालीस करोड़ सिर्फ तमिलनाडु से था और ये 2021 हज़ार की तमिलनाडु की वन ऑफ़ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी साबित हुई थी और इंडिया की भी वन ऑफ़ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे तब अन्नाथा अनाथे फिल्म को भी इस फिल्म ने सरप्रा उसके बाद इस फिल्म को सरप्राइज़ किया था अनाथे फिल्म ने रजनीकांत जी की फिल्म थी डेढ़ सौ करोड़ उस फिल्म ने कलेक्ट किए हुए थे इस फिल्म का जो पहले वीक का कलेक्शन था वो वर्ल्ड वाइड करीबन एक सौ चालीस करोड़ का था नौ दिनों में इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया धमाका मचा दिया था उसके बाद में डे बाय डे इस फिल्म को काफ़ी अच्छा खासा का रिस्पांस मिला और उसी के चलते इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और बाद में इस फिल्म ने 135 करोड़ के बजट के सामने 250 से 300 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया उसके अलावा सैटेलाइट ओटीटी राइट्स को बेचते हुए फिल्म ने काफ़ी बढ़िया लेवल पर प्रॉफिट करके दिया हुआ था और मेकर्स ने तो इस फिल्म से काफ़ी अच्छा खासा का प्रॉफिट हासिल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के जो ओ और सेटेलाइट राइट्स है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म को बेचे गए थे जहाँ पे इस फिल्म के जो डिजिटल राइट्स है वो अमेज़न प्राइम वीडियो के पास करीबन बावन करोड़ में बेचे गए थे और इस फिल्म के सभी वर्ज़न को वहीं पे प्रीमियर करवाया हुआ था और इसके अलावा हिंदी वर्जन था उसके राइट्स जी फाइव को बेचे गए थे और इसी के साथ इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स वो तमिल ने तमिल लैंग्वेज के लिए और दूसरी साउथ इंडियन लैंग्वेज के लिए सन टी नेटवर्क तो को बेचे गए थे करीबन बत्तीस करोड़ में टी वी प्रीमियर सन टी के ऊपर तमिल लैंग्वेज में इस फिल्म को क्रिएट किया तमिल लैंग्वेज के साथ साथ दूसरी लैंग्वेज़ में प्रीमियर करवाया गया था मलयालम वर्जन को सूर्या टीवी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स से वो जी नेटवर्क ने खरीदे हुए थे इस वजह से जी सिनेमा के ऊपर इस फिल्म को विजय दी मास्टर के नाम से प्रीमियर करवाया था वहीं पे जी फाइव के ऊपर इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ था तो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म आपको तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम ये चार वर्जन में चार साउथ इंडियन लैंग्वेज में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट राइट्स है वो सन टीवी नेटवर्क के पास है तो ये सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में अलग अलग टेलीविजन चैनल जैसे कि सन टीवी वी या और साथ ही में सूर्या टीवी वी जैसी चैनल के ऊपर इस फिल्म को तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा वहीं पर इस फिल्म को आप वहाँ पर इंजॉय कर सकते हो इसके अलावा हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स है वो जी नेटवर्क के पास है जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी में वैसे तो बिफोर इमोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उन्होंने जी नेटवर्क को इस फिल्म के ओ और सैटेलाइट राइट्स बेचे हुए थे जहाँ पे विजय दी मास्टर के नाम के साथ इस फिल्म को हिंदी वर्जन में जी सिनेमा के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था तो जी सिनेमा और जी सिनेमा आई चैनल के ऊपर ये फिल्म आपको विजय दी मास्टर नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म को ओ टी टी पे जी फाइव के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इस फिल्म को विजय दी मास्टर नाम के साथ हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है तो इस तरह से मास्टर या तो विजय दी मास्टर फिल्म आप तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर सकते हो तो बस गाइज इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो आते थे वो मैंने शेयर कर दी है फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी साथ ही में फिल्म के कौन से कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सभी चीज़ें मैंने शेयर कर दी है इसके अलावा फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत की हुई है साथ ही में इस फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में डीप दी, में डिटेलिंग दिए दी हुई है इस फिल्म के मैंने कहानी के ऊपर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस किए हुई है ओवरऑल फिल्म का एक डीप रिव्यू हो चुका है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू